A very warm welcome to all of you to Self Selection Board of One Step Towards Uniform. मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं मयंक भट्ट के बारे में. मयंक भट्ट 3 बार रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं फ्रॉम NDA, CDS एंड SSC नेवी, वो भी 3 बड़े बोर्ड से, बेंगलुरु, भोपाल एंड अलाहाबाद. इस वीडियो की स्टार्टिंग हम करेंगे पर पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा. आपने मेडिकल की रिक्वेस्ट की थी, उसके बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम राइट पर्सन नहीं है उसके बारे में. पर हम बात करेंगे स्क्रीनिंग और स्टेज 2 के बारे में. स्क्रीनिंग के बारे में तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि स्क्रीनिंग एक वो स्टेज आपके लिए मिलेगी जहां पर आपके मोस्ट ऑफ सारे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमने मयंक भट्ट से हर चीज के बारे में डिटेल में बात की है कि उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए और किस किस वजह से वो हर बार स्क्रीनिंग होते गए. और इसी तरह हमने स्टेज 2 की बात की है कि हर बार तीनों बार रिकमेंड वो कैसे हुए. अब आगे चलने से पहले मयंक भट्ट की अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको समझना होगा करीबन ये 1 घंटे 50 मिनट के आसपास की वीडियो है और इस पूरी वीडियो को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो इस पूरी वीडियो को मैं तो कहूंगा कि आप शुरुआत से देखें, बट अगर आप पे लैक ऑफ टाइम है तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर कमेंट बॉक्स में एक पिन कमेंट मिलेगा आपको, वहां पर आपको इस सारे के सारे टाइमलाइन मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप जाके से देख सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. वेलकम मयंक, इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज. थैंक यू सो मच मयंक. यार एक बात, जब मुझे पता लगी तुम्हारे बारे में कि दैट यू गॉट रिकमेंडेड 3 टाइम्स इन अ रो, सो आई फेल्ट लाइक यू आर लाइक अ सुपरमैन कि यार लोग एक बार रिकमेंड नहीं होते, आप लगातार 3 बार होते जा रहे हो, जस्ट अटेम्प्ट में जा रहे हो. आई डोंट नो हाउ बट इट हैज बीन पॉसिबल और आई जस्ट बिलीव इन गोइंग थ्रू. सो इट्स नॉट लाइक कि मेरे को ऐसा नहीं लगा कि ठीक है आई हैव डन समथिंग वेरी स्पेशल, इट वाज लाइक अ नॉर्मल थिंग फॉर मी. अच्छा चलो, नॉर्मल थिंग तो सही है बट यार थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है, मैं बताता हूँ कैसे. अब देखो, पहली बात तो यू सीम्स लाइक अ टोनी स्टार्क, कि भाई बंदा इंजीनियर भी है और बंदा यूनिफॉर्म में भी है, ठीक है, इट्स लाइक ही इज वेयरिंग द आयरन मैन सूट. अब तीसरी बात ये कि इट्स लाइक अ डॉक्टर स्ट्रेंज, की भाई सारी चीजें फटाफट सीख सक के खुद से ही, कोई बिना कोचिंग लिए कुछ खास, और बंदा 3 बार रिकमेंड भी हो गया. अच्छा आपके साथ तो ऐसा भी होता होगा, आप जैसी बोर्ड में जाते होगे तो पूछा जाता होगा भाई रिकमेंड हो गए हो, हाथ खड़ा करो, तो सबकी नजरें जो रिकमेंड बंदा होता है उसकी तरफ ही सारी तरफ मुड़ जाती है. तो स्क्रीनिंग से लेके रिकमेंड होने तक बस सबकी नजर उस पर रहती, भाई इसका तो हो ही गया, और उसकी जान की रहती बेचारे की. समथिंग आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था क्या? डेफिनेटली आई हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट आई डोंट वांट दिस पर्सन इन माय ग्रुप फॉर द स्क्रीनिंग, लाइक व्हेन दे आस्क दैट प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स प्लीज रेज योर हैंड्स, सो आई जस्ट रेज माय हैंड एंड दे वर लाइक he should not be in my group because ये होगा तो it he'll reduce our chances. Okay, but मेरे हिसाब से शायद ये true नहीं है कि कहीं किसी के साथ competition नहीं होता सच में, is it right or wrong, मतलब कुछ है dependency कुछ बात पे? नहीं, it is definitely true that there is no competition among people and there is nothing that your previous recommendation can do for you in the particular in that particular attempt because your hard work and your what you are showing in that particular attempt that matters. Okay, so we start your journey. आपने NDA qualify किया, ठीक है, 2 बार NDA qualify किया, first time आप conference out हैं, उसके बाद recommend, फिर CDS भी आप recommend हुए और finally आप SSC Navy short service के लिए भी आप recommend हुए for pilot entry, am I right? Yes, yes. But the SSC pilot entry was earlier than the CDS one. Okay, so it's NDA, SSC pilot, then CDS, right? Yes. Okay, so if we go ahead, NDA जब आपने दिया था तो आपको TR मिला था, right? Yes. Okay. Over that period of time, कहीं ना कहीं आपने सोचा होगा यार अब तो सब कुछ हो गया, अब तो joining है तय, और हुआ TR मिल गया आपको and you have to go back to the home and वहाँ पर आपको operation करना कराना पड़ा and जो 30 days का period होता है उसको भी आप use नहीं कर पाए. वो time बहुत difficult था, it was really difficult because आपके मन के अंदर ऐसे हो चुका होता है जैसे नाउ आई विल बी अ कैडेट इन द एनडीए, बट सडनली द सिनेरियो हैव कंप्लीटली चेंज्ड एंड इट वाज लाइक आई वाज मेडिकली अनफिट फॉर ऑल द 3 सर्विसेज, सो दैट वाज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू कम आउट ऑफ दैट, बट समहाउ लाइफ गोज ऑन, दिस इज रियली ट्रू एंड लाइफ नेवर स्टॉप्स एट वन प्लेस. आई वाज परसुइंग माय इंजीनियरिंग एंड आई स्टार्टेड, आई रिज्यूमड इट, आई वाज इन माय हॉलीडेज, आई केम बैक टू माय कॉलेज, ऑल्दो I had to give a lot of justification to people why I was not able to join, but still it was a really tough time for me because it's like fighting with yourself because you were ready mentally that I'll be joining the academy, but after 7 or 10 days
यू गॉट योर मेडिकली अनफिट, यू आई गॉट मेडिकली अनफिट, सो इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू डील विद दैट टाइम. माई पेरेंट्स ऑल्सो सपोर्टेड मी, बट इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. बट आई थिंक द मोस्ट योर पेरेंट्स आर सपोर्टेड, आई केम टू नो अबाउट दैट ऑल्सो. बट खुद को कैसे मोटिवेट किया यार करना है, चलो आगे देखेंगे जिंदगी में, अभी कैसे आपने मोटिवेट किया अपने आप को? I just thought that I'll complete my engineering in my final year. I'll be eligible to apply in all the other entries, so I'll utilize that only. Okay. But I told you, like, life goes on. Like, whatever the situation is, you need to fight it back, because if you will sit cribbing about it, nothing is going to happen. You need to work on it and you need to prepare yourself. Like, after 2 or 3 years, when I go, I'll get recommended first time, and I did that. ओके सो फिर मेडिकल में हुआ क्या था आपको, कौन सी डिजीज क्या आई थी, मतलब क्या पता क्या लगा था उसमें? द फाइनल मेडिकली अनफिट व्हेन आई गॉट दैट वाज फ्रॉम आरआर हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली, एंड इट वाज बिकॉज़ ऑफ एंट्रोकोनल पोलिप्स, इट्स अ डिजीज ऑफ द नेजल कैविटी. ओके सो उससे पहले आपको लाइफ में पता लगा कुछ ऐसा मेरे साथ हो रहा है या मुझे कुछ अबनॉर्मलिटी फील हो रही है? No, no, not at all. It was a very sudden thing. Like, आपको पता चलता है मेडिकल में जाके, like, कि मुझे ये भी प्रॉब्लम है. अच्छा. So it was a really shock for me. Like, ये भी चीज़ मेरे अंदर है. Okay. So हम start करते हैं आपकी जर्नी CDS से, जहाँ से आपने किया. सबसे पहले तो जो मैंने आपसे कहा that you are a doctor strange, आपसे like you 2 महीने बंदा prepare भी करता है, around 127 marks भी ले आता है, और IMA, OTA, INA के लिए SSB के लिए eligible हो जाता है. So, 2 महीने में कैसे प्रिपेयर किया यार? मतलब मैं होता तो मैं तो कहता भाई मैं ओटी के प्रिपरेशन करूंगा, 2 महीने में ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा. दैट्स कॉमन लॉजिक व्हिच आई फेल्ट. बट कैसे आपको लगा कि मैथ्स भी कर लेंगे भाई? जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन आई हैड माय प्लेसमेंट, सो आई वाज रेडी विद माय इंग्लिश. ओके. सो आई डिड नीड टू वर्क ऑन माय इंग्लिश मच. ओके. बिकॉज आपको एक सब्जेक्ट, बिकॉज देयर आर 3 सब्जेक्ट्स एंड टेक वन एट अ टाइम. ओके. लाइक इफ यू विल सी देयर आर 3 पेपर्स, इंग्लिश, जीएस एंड योर मैथमेटिक्स. So take one paper at a time. Like English, I'm ready because of my placements. I worked on it. I did certain exercises for my placements only, but it helped me in the CDS also. Coming to GS, my habit of getting through the newspapers helped me a lot. And also, I preferred the book Pathfinder for CDS by Arihant. Coming to the GS part, I always have the habit to go through the newspapers and the news apps. Like I use TOI, InShorts. These apps help you in getting through with the general knowledge and the current affairs, and that will help you a lot in getting to touch with the current affairs, and you will be able to solve those questions in the paper. Or also for GS, I preferred the book Pathfinder for CDS by Arihant, and using, there are very simple notes like history, a particular section, geography, a particular section. So using those sections, I got to know that this is the complete syllabus, and the notes provided in that book are really good. एंड आपको शॉर्ट के अंदर, एक शॉर्ट में बहुत सारा कुछ मिल जाएगा. सो फॉर जी एस आई प्रेफर्ड कम्प्लीटली दैट बुक. कमिंग फॉर द थर्ड एग्जामिनेशन, द थर्ड एग्जाम दैट इज मैथमेटिक्स, आई प्रेफर्ड दैट बुक ओनली बिकॉज देर आर सर्टेन टॉपिक्स, लाइक जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है सी डी एस के लिए, उसी को यूज करके उन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक्स बना रखे हैं. एंड आई यूज टू प्रैक्टिस वन टॉपिक ऑन डेली बेसिस. लाइक आज मैंने ये टॉपिक किया, I'll read the questions, I'll read the formulas, I'll note them down, so that mere revision mein kaam aaye wo. And after that, I'll solve the questions and have a look that previous year questions kis tarike ke aaye the is topic se. Because the practice questions are sometimes a very short and simple, but the previous year questions helps you a lot. Also use internet a lot, like GradeUp app is there. I use that only for the preparation for GS. There are certain topics, they have made certain videos. I watched them, I got to know about it, I made some notes, and that helped me a lot. Apart from that, there are certain websites where you can find the mock test for CDS. Try to attempt as much mock test as possible, because you will get through many questions, and definitely 1 or 2 questions, 3 or 4, they will come in your GS paper. And also you need to have a strategy for the examination. Like I knew that I'll get good marks in English, I'll get decent marks in English, but I need to clear the cutoff for GS. Because without clearing the cutoff, even if you will get 100 marks in English, 100 in mathematics, if you have not cleared the GS sectional cutoff, you will not be able to make through. So strategize in this way. I strategize like I just need to get 20 marks in GS examination, and the remaining paper I'll cross through using English and mathematics. So that was my strategy. Okay, so I like to go a little deeper in that. What I like to ask, जैसे आपने कहा English की आपकी preparation during your placement engineering की आप कर रहे थे तब हो गई थी. But you know, little pattern, because we both are mechanical engineers,
वहां पर एक बात होती है कि वहां पर एरर स्पॉटिंग नहीं पूछा जाता आपसे प्लेसमेंट में, ना ही आपसे पैराग्राफ पूछा जाता है। मेनली तो आपकी जो इंग्लिश यूज होती है वो कन्वर्सेशन में या इंटरव्यू में ही आपकी काम आती है। वहां पर आपने इन चीजों की तैयारी कैसी, एरर स्पॉटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, या जंबल वर्ड, जंबल सेंटेंस, जंबल पैरा, सिनोनिम एंड टोनिम्स? सो देर आर सर्टेन टॉपिक्स विच यू नीड टू स्टडी अपार्ट फ्रॉम द प्लेसमेंट। लाइक मेरे को उतना टाइम लगा, इंग्लिश को बहुत कम टाइम दिया। लाइक एरर स्पॉटिंग दैट टॉपिक टुक मी अराउंड 2 डेज। अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स आई यूज टू प्रैक्टिस मैथमेटिक्स एंड आई ऑल्सो गेट सम टाइम फॉर इंग्लिश ऑल्सो। सो दैट इज द रीजन। लाइक आपके जब प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक इन सम ऑफ द एग्जाम्स फॉर लाइक विप्रो आई इन विच आई अपेयर्ड द टॉपिक जंबल वर्ड्स एंड द जंबल पैराग्राफ वॉज देयर। सो आई प्रिपेयर दैट ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली। सो इट वॉज जस्ट अ रिविजन। जो टॉपिक्स रह जाते हैं उनकी प्रिपरेशन ये थी कि यस आई प्रिपेयर्ड फॉर देम यूजिंग दैट बुक ओनली। आई प्रिफर्ड आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन दैट बुक अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेट। यू आई मीन हैव नेवर पाथफाइंडर? यस पाथफाइंडर। ओके, सो एक सबसे बड़ा मेरे पास क्वेश्चन आया आपके वीडियो पे, आपने शायद टीजर देखा हो, उसमें ये था कि जो एरर स्पॉटिंग होता है उसमें मान लो 20 आते हैं तो 50% ही सही होते हैं, तो 50% गलत होने के बाद उन 50% के सही होने का कुछ खास फायदा नहीं होता। सो एरर स्पॉटिंग के लिए कुछ ऐसा आपने वो डिटेल किया कि आपने भी थोड़ा उससे थोड़ी दूरी बना के रखी, पसंद की? नहीं, दिस इज वेरी ट्रू कि उसको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। बट फॉर दैट ऑल्सो लाइक द बुक दैट आई रेड, उस बुक के अंदर क्या है, देयर हैव बीन सेक्शंस लाइक नाउन प्रोनाउन एंड देयर आर कंप्लीट थिंग्स जहां पर उन्होंने बता रखा है कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। उन बेसिक रूल्स से ही कई बार आपके क्वेश्चन फंस जाते हैं और ऐसा मेरे साथ हुआ था। एंड जो मैं सजेशन सबको देता हूँ, नेवर ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द 20 क्वेश्चंस। ओके, ट्राई अटेम्प्ट ओनली दोज 10 or 12 or 15 क्वेश्चंस अबाउट विच यू आर श्योर। अगर आप ओके, श्योर नहीं है तो प्लीज डोंट अटेम्प्ट देम, बिकॉज आपने जो किया है ना आप उसको भी स्पॉइल कर देंगे। सो अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू अटेम्प्ट 120 क्वेश्चंस। आई अटेम्प्टेड ओनली बाय अप्रोक्सीमेटली 95 क्वेश्चंस। सो द दोज 25 क्वेश्चंस वर द वन आई डिडंट अटेम्प्ट बिकॉज आई वाज नॉट श्योर अबाउट देम। So, in those 10, 12 questions, if we go a little deeper, sometimes it's happened that you score 8 all out of 12 or 10 out of 12. So, it's happened with you, or you 100% damn sure कि मैंने 12 किए हैं तो 12 तो पक्के सही हैं? No, no. As I told you earlier also, I have checked it. I got to know my marks by using a private key. It was a Okay. coaching key which I used to get to know about my marks, because the final marking will be on the UPSC website in June or July. Yes. But to get to know that I'll be selected or not, because I was sure the day I checked that I'll get through. Okay. But using that key, when I looked to it, there were approximately I think 10 questions were there in this paper, Oh. CDS 2 2018. So out of those 10, I attempted 7 and my 6 were correct. Okay. That's good. So now moving a little more part, which is reading comprehension, जिसकी अंग्रेजी सही है वो कर लेता है, बट उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। हमारे अगर सीडीएस के देखें, ऐसे सीजीएल से कंपेयर करें, तो हमारे पैरा काफी छोटे होते हैं, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट पैरा से पढ़ के आप निकाल सकते हैं, और दूसरे टाइप के होते हैं, व्हाट डू यू थिंक द ऑथर थिंक अबाउट दिस, या उसके कहने का मतलब क्या है, एंड ही गिव 3 or 4 options, और उसमें बंदा थोड़ा कंफ्यूज होता है, यार ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, और ये भी कह रहा है। सो हाउ डू यू डील विद दैट? आई मस्ट टेल यू दिस, इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई थिंक देर 20 क्वेश्चंस एंड माई 20 ऑल 20 क्वेश्चंस वर करेक्ट। ओके, सो फॉर दैट, फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देर इज नो अदर सोल्यूशन अपार्ट फ्रॉम रीडिंग। रीड ओके, एज मच एज पॉसिबल, रीड न्यूज पेपर्स, नॉवल्स, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस। लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज देयर इन द प्लेसमेंट्स। सो आई प्रैक्टिस द लॉट एंड नथिंग अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस कैन हेल्प यू इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज द पैराग्राफ आर वेरी स्मॉल एंड इट इज वेरी इजी टू सॉल्व क्वेश्चन इन सीडीएस। आई मस्ट टेल यू दिस, देर इज अ डाउट अमंग पीपल की ठीक है इसकी इंग्लिश अच्छी होगी उस वही आंसर कर पाएगा। दैट इज नॉट ट्रू। ओके, यू नीड टू रीड अलॉट, यू नीड टू रीड अलॉट, दैट्स ओनली देन यू विल गेट टू नो कि इसमें है क्या, वॉट डज द ऑथर वॉन्ट टू से, हाउ यू विल गेट टू नो। द ओनली थिंग इज रीड अलॉट, द मोर यू रीड यू विल गेट टू नो कि ही इज बिंग सरकास्टिक और ही इज बिंग रियलिस्टिक और ही इज बिंग कमेंटिंग समवन और ही इज क्रिटिसाइजिंग समवन। यू विल गेट टू नो वेन यू विल रीड। Practice as much questions as possible, ओके because nothing apart from practice can help you in RC. ओके, दैट्स गुड। नाउ मूविंग टू वन मोर डिफिकल्ट पार्ट, व्हिच इज सिनोनिम एंड टोनिम्स। में बहुत रटना पड़ता है और ज्यादा लोग भागते ही हैं यार रटने से। सो यू डील विद इट, और यू जस्ट यूज सम स्किप मेथड ऑफ दैट? I'll say that
जितना आपकी वोकैबुलरी है ट्राई टू यूज दैट ओनली. ऑब्वियसली यू विल हैव टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट कैन हेल्प यू. यू विल हैव टू लर्न सर्टेन वर्ड्स, यू विल हैव टू यूज सर्टेन न्यू वर्ड्स. आप अपनी लाइफ स्टाइल में अगर यूज करोगे तो आप उसको रियल लाइफ में एग्जाम में जाके भी अप्लाई कर पाओगे. स्टार्ट लर्निंग यू न्यू वर्ड्स एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग देम इन योर लाइफ सो दैट यू विल इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर देम. बिकॉज एट अ टाइम इफ आई विल गिव यू 1000 वर्ड्स दैट यू विल यू जस्ट रिमेंबर देम एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन द सीडीएस एग्जामिनेशन. यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. सो ट्राई टू लर्न 5 वर्ड्स 10 वर्ड्स एंड ट्राई टू यूज देम इन योर वोकैबुलरी इन योर डेली लाइफ. कहीं भी आपने यूज किया तो आपको वर्ड्स आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, दे विल गेट अलोंग योर मेमोरी. So I always use this. और मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि ठीक है 10 questions are there, I need to attempt all 10 of them. I attempted 5, got 5 correct. Okay. So अब आते हैं पैरा जंबल्स पे. पैरा जंबल्स दो फॉर्म में, एक तो होते हैं वर्ड्स पैरा जंबल्स होते हैं, दूसरे होते हैं पैराग्राफ पैरा जंबल. वर्ड्स फिर भी आसान होते हैं बट मुझे लगता है पैराग्राफ इज लिटिल टफ एज कम्पेयर टू इट. सो हाउ डू यू डील विद दैट? दैट वॉज द ओनली पोर्शन विच लेड टू मेनी नेगेटिव मार्क्स इन माई दैट इंग्लिश पेपर. ओके. क्योंकि मैंने बहुत सॉल्व किए, मुझे लगा देख अपन जब व्हेन वी सॉल्व इट हमें लगता है कि ठीक है वी आर डूइंग इट राइट, बट हो सकता है कि उसका आंसर अलग हो. और मेरे साथ वही हुआ, मेरे काफ़ी नेगेटिव मार्किंग उस सेक्शन में हुई है. एंड बिकॉज उसका ये था कि आई डेंट प्रैक्टिस फॉर दैट दैट मच. वर्ड्स आर ईजी, आई हैड प्रैक्टिस फॉर वर्ड्स, आई डिड दैट. बट फॉर कमिंग टू द पैराग्राफ सेक्शन मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था उस चीज़ में. एंड नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिस कैन हेल्प यू. एंड सिंस मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी तो मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी खराब था. और वहाँ पर मैंने नेगेटिव मार्क्स लिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा आंसर ठीक है बट नहीं था वो. ओके. So that's about the English. Moving to GS part. यार दो महीने में अगर हम बात करें तो GS में बहुत चीज़ आती है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. और आपकी मुलाकात 6 साल में अभी तक बीटेक के फिजिक्स केमिस्ट्री से हुई होगी और मैथ्स से थोड़ी हुई होगी, राइट? वो भी M1 M2 तक. So how do you deal with these subjects within just 2 months of compact time? I told you, उस बुक के थ्रू जैसे मैं ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पकड़ता था एंड आई यूज टू मेक सम नोट्स. And using those notes, I used to study. Apart from that, I used to watch certain videos over the YouTube. Like, जो मैंने आपको ऐप का नाम बताया, GradeUp. There are certain videos on the internet. उन videos के through, there are certain topics which got covered. And because of those videos, like, there are certain videos. Like, there are approximately 40 videos, approximately 20 hours, completing all of them. But those 20 hours helped me approximately 4 or 5 questions. And that is a huge number in the GS examination. Because people are not able to get only 20 marks. जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, my strategy was not to get a good score in GS. My strategy was just to get 20 marks so that I can clear the sectional cutoff and I'll clear the rest of the examination using my mathematics and the GS portion. English portion. Okay, I agree on that part. But कहीं ना कहीं जो subjects हैं, especially polity, history, bio, ये subjects ऐसे हैं जो बहुत mug up करने पड़ते हैं और इनमें आपको revision भी बहुत करना पड़ा होगा. So, in short period, आपने revision का schedule भी बनाया और याद करने का भी और उन topics को इतने vast level पे cover भी कर लिया. ये मतलब सच्ची में ऐसा लग रहा जादू हो रहा है. So, for that, मैं जैसे मैं NDA भी clear किया था, तो some faded memories were there. Okay. तो उस वजह से क्या है कि आपके कई topics ऐसे होते हैं कि ठीक है, I am aware of this. Okay. I just need to revise it up. और फिर 2 महीने, I think the time is sufficient. Okay. Time is sufficient. आपको time को अच्छे से utilize करना पड़ेगा because you will have the sense of urgency there. So, 2 महीने में आपको पूरा, you will have to give it all because उसके अलावा आपके पास कोई option नहीं है. If you have 6 months, you can do it easily. But if you have to do it in 2 months, तो आपको sense of urgency, थोड़ा ज़्यादा time देना, ज़्यादा active होना, क्योंकि time limited है. But you need to get the best out of it, and that will only happen अगर आप धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करते चलें, and try to gain as much as possible in that limited time only. ओके. सो बट इंजीनियरिंग लाइफ जो होती है यार वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है. मतलब मास भंग नहीं हुआ तो बैंड बज के जाना पड़ रहा है, हो गया तो अच्छी बात है, रूम पे ही बैठे हो, ठीक है. सो आपने अपने रिवीजन शेड्यूल को और पढ़ने की शेड्यूल को कैसे मैनेज किया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भाग दौड़ करनी, अभी आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट चल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसमें भी टीचर्स के अपने सरकारी कर्मचारी वाले नखरे हो जाते हैं कि अभी नहीं कल आना, आज नहीं ये होना और इसमें बचा हुआ है. सो हाउ यू डील विद दैट? टाइम तो आपको ना थोड़ा सेट आउट करना पड़ेगा बिकॉज नवंबर में एग्जाम था. आई स्टार्टेड आफ्टर माई प्लेसमेंट इन मिड सेप्टेम्बर ओनली. सो आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है. लाइक क्लासेज भी थी, क्लासेज वर लेसर बिकॉज 7 सेमेस्टर हमारे यहाँ इट्स लाइक
ओनली 4 डेज कॉलेज इज देयर. ओके सो आप जितने भी वेकेशन मिले, जितने भी आपकी हॉलीडेज हो, ट्राई टू यूज देम इन द बेस्ट वे पॉसिबल, क्योंकि लाइफ आपको जीनी है. बिकॉज आप सोचो कि ठीक है आई विल बी इन द बुक्स ऑल डे थ्रू, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल. तो जितना टाइम मिल रहा है यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. अब जैसे आप यूट्यूब के वीडियोज देख रहे हैं, आप क्लास में बैठे हो, पुट ऑन योर ईयरफोन्स, टेक आउट योर नोटबुक एंड स्टार्ट जॉटिंग डाउन द थिंग्स. लाइक आप वीडियो देख रहे हो, डाउनलोड इट और उस वीडियो को सुनो, अपने नोट्स प्रिपेयर करो, लाइक आप क्लास में फ्री बैठे हो. ओके और रूम पे आ गए, अपने बुक पकड़ो, पढ़ना स्टार्ट करो. तो ट्राई टू यूज द टाइम, वट एवर टाइम यू हैव, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, दैट इज द ओनली थिंग. ओके सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी रिगार्डिंग रिवीजन? मतलब अगर रिवीजन देखें तो आप क्या करते हो कि भाई किताब बंद करा फिर रिवाइज कर रहे हैं या दोबारा लिख के देख रहे हैं? व्हाट यू डू एक्चुअली? माय स्ट्रेटजी इज ऑलवेज लाइक जब मैं पढ़ रहा होता हूँ बुक के थ्रू, तो आई ऑलवेज प्रिपेयर सम नोट्स कि ठीक है एक शॉर्ट नोट्स बना लिए, जहां पर जैसे हिस्ट्री की बात आई तो आई मेक अ टाइमलाइन, दिस ईयर दिस वॉर टुक प्लेस, दिस ईयर दिस हैपेंड, दिस ईयर दिस हैपेंड. सो इन 3 or 4 pages आई विल बी एबल टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ द थिंग्स. और उन ईयर से आपको इवेंट्स याद हो जाते हैं, ठीक है ये इवेंट में ये हुआ था, ये इवेंट में ये हुआ था. सो एक टाइमलाइन हिस्ट्री में प्रेफर करता था. पॉलिटी के लिए लाइक व्हेन यू विल गो थ्रू जीके, अगर आप जनरली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो यू विल गेट टू नो मेनी ऑफ द थिंग्स कि ठीक है एक कंट्री के अंदर आपका क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे वो मैंने कवर की यूट्यूब वीडियो से. तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए आई ऑलवेज प्रिपेयर सम नोट्स. मेरी एक अलग कॉपी है जिसमें मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करता हूँ. एंड कमिंग टू रिवीजन आई ओनली यूज टू स्टडी दोज नोट्स ओनली. 3 days बिफोर यू जस्ट पिक दैट कॉपी अप, रिवाइज योर नोट्स एंड यू विल बी एबल टू डू इन अप्रोक्सीमेटली 2 or 3 hours एंड यू विल बी वेरी वेल अवेयर. ओके सो ओवर है, मैं थोड़ा एम्फसाइज और देना चाहूंगा रिविजन में. देखो एक मैंने सुना है कि रिविजन की साइड होती है भाई एक 24 घंटे बाद रिवाइज करो, फिर एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद. So you did something like that कि जैसे आपने कहा नोट्स बना लिए, then at the moment the last you revise it. नहीं नहीं जैसे एक बार नोट्स बना लिए तो go through them after 15 or so days and after that मतलब उसके बाद मैंने सिर्फ किया एग्जाम से 2 दिन पहले. ओके जिससे कि मैं सारी नॉलेज को ब्रशअप कर सकूँ. वॉट आई पर्सनली बिलीव इज जब आप लिखते हो, वेन एवर यू राइट अपनी कॉपी में या नोट्स बना रहे हो, तो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट. अगर आपने कॉपी से पढ़ लिया एक बुक से तो आपकी हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन अगर आपने लिख लिया है तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर. ये मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी है एंड इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हो. आई फील कंफर्टेबल कि ठीक है आई विल नोट इट डाउन, देन आई विल रीड इट वंस अगेन एंड देन आई विल रीड इट जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन. ओके सो इफ आई समराइज, आपने एनसीईआरटी यूज नहीं की, यूज इज पाथफाइंडर, यू यूज ग्रेड ऐप, यू यूज सम यूट्यूब चैनल्स एंड दैट्स इट राइट? यस. ओके सो लेट्स मूव लिटिल मोर फॉरवर्ड टू मैथ्स. I would like to interrupt you yeah, because 2 months ke time mein us NCERT ko complete kar pana, that is extremely difficult. Okay. Like if you are starting now for CDS 2 2019, I suggest you go through all the NCERTs of class 9, 10, 10, like science and the social science. It will be a cakewalk for you. But mere time pe agar aap kya ke dekho, 2 mahina pehle start kiya hai, to it is very difficult ki us 2 mahine ke andar aap NCERT bhi padh lo, aap mathematics, English and the notes. It is very difficult to cover all of that. लेकिन अगर आपके पास लंबा टाइम है तो यू शुड प्रेफर एनसीईआरटी, इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके बट ये कंसिस्टेंसी आपने बनाई कैसे? कि मतलब ऐसा होता है ना, इंसान जब काम शुरू करता है तो जोश आया होता है, बट जैसे ही जैसे टाइम बीतता जाता है उसका जोश भी ढीला होता है, वर्कलोड भी बढ़ता रहता है, और आपकी पैरा लाइफ है तो इंजीनियरिंग में चल रही थी उसका भी वर्कलोड बढ़ रहा होगा, तो वो कैसे मेंटेन रखा आपने? क्या हर दिन पढ़ाई करते थे, एक दिन छोड़ छाड़ के, या कुछ ऐसा कुछ होता था? नहीं नहीं सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट थिंग. आई ऑलवेज टेल दिस टू एवरीवन दैट यू शुड हैव अ गोल. My goal was to clear CDS and every day you need to work on it. Before getting to sleep, just ask yourself once that how many steps did I took towards my goal today? So if the answer is positive and is in a good number, you'll definitely have a sound sleep. So for that sound sleep, it motivated me to work harder so that I can get a good sleep. And I am happy inside ki theek hai main acha kaam kar raha hai, maine aaj padha hai. And I need consistency is necessary because 2 mahine mein आप एक भी दिन अगर छोड़ोगे तो इट विल बी लाइक आप पीछे रह जाओगे. ओके तो कंसिस्टेंसी के लिए सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट की. नथिंग अपार्ट फ्रॉम यू कैन मोटिवेट यू मोर. ओके सो इज इट मतलब थोड़ा और डीप में जा रहे हैं बिकॉज़ दैट्स क्वेरी कम्स कि जैसे आपने गोल चूज किया तो आज दिन का भाई टारगेट है टू डू लिस्ट में 3 काम खत्म करने हैं. होते भी होंगे कई बार नहीं भी होते होंगे, एंड नहीं होते होंगे तो वर्कलोड बढ़ रहा होता होगा. सो हाउ डिड यू मैनेज दोस थिंग्स? वर्कलोड क्योंकि आपको कॉलेज भी है, आपको असाइनमेंट्स भी करने हैं, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर मिड सेम ऑल्सो. माई मिड सेम वर्क है एंड यू नॉट बिलीव दैट
आई डिडंट गिव मोर देन एन आवर और सो टू माई मिड सेम. आई टोल्ड माई फैकल्टीज दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट. इफ आई नॉट गेट गुड मार्क्स प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव स्टॉप्ड स्टडीइंग और समथिंग. एंड टीचर्स अंडरस्टैंड दैट बिकॉज फाइनल ईयर में सबको पता होता है कि दैट सबके अपने एम्बिशन है एंड एवरी वन इज रनिंग बिहाइंड देम. तो फैकल्टीज मेरे बहुत हेल्पफुल थे एंड आई वॉज रियली थैंकफुल फॉर देम कि उन्होंने इस चीज़ कंसिडर किया. आई डिडंट गॉट गुड मार्क्स इन द इन माई मिड सेम एग्जामिनेशन जस्ट बिकॉज मैंने टाइम नहीं दिया था. बट जितना टाइम मैं अपनी स्टडीज को CDS को देता था उतने एग्जाम अपने उसको नहीं देता था अपने मिड सेम एग्जाम्स को कॉलेज के लिए. तो वो आपको मैनेज करना पड़ता है. आपको एंजॉय भी करना है. यू नीड टू एंजॉय योर कॉलेज लाइफ ऑल्सो. किसी इन फ्रेंड्स से पार्टी भी करनी है. बट इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. अगर आप पार्टी करके 11 बजे आ रहे हो तो यू नीड टू स्टडी टिल 2 or 3. दैट देर इज नो चीटिंग इन दैट क्योंकि आप चीटिंग किसी और से नहीं अपने आप से करेंगे. सो आई ऑलवेज बिलीव दैट कि ठीक है आई नीड टू बी ट्रू टू माई सेल्फ. आई नीड टू वर्क फॉर माई सेल्फ. And if you will work for yourself, you will definitely get greater heights. Okay, now आते हैं आपका जो main था जहाँ से आपने marks gain करे वो था maths, am I right? नहीं, my strong portion was English. Second was mathematics. Second was mathematics. So mathematics में एक होता है priorities के लिए भी trigonometry, geometry ज़्यादा आ रहा है, arithmetics ज़्यादा आ रही है, उनपे पहले focus किया, फिर बाकी किसी चीज़ पे गए. तो आपके लिए भी कुछ ऐसी strategy थी कि कुछ different था आपका? Definitely, definitely. Trigonometry का बहुत बड़ा पोर्शन आता है. अरिथमेटिक का काफ़ी अच्छा पोर्शन आता है. तो आई यूज टू प्रैक्टिस दोज टॉपिक अलॉट. जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैंने 2 बार प्रैक्टिस किया उस बुक से. उन क्वेश्चंस को उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन कि पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप के आते हैं, किस लेवल के आते हैं. तो मैथमेटिक्स के लिए पिक वन टॉपिक कंप्लीट इट और पर्टिकुलरली उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करें जिनके वेटेज ज़्यादा है. लाइक ट्रिग्नोमेट्री के आई थिंक अप्रॉक्सिमेटली 8 or 10 क्वेश्चन वर देयर. तो उन 8-10 क्वेश्चन से यू विल गेट 10 मार्क्स स्ट्रेट अवे बिकॉज 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आर देयर. तो वो 10 मार्क्स आपको बहुत बड़ा लीप देंगे आपकी आपके क्वालिफाई करने में भी और आपको अच्छे मार्क्स लाने में भी. तो आई ऑलवेज प्रिपेयर लाइक दैट कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले करो एंड कमिंग टू द एग्जामिनेशन ऑल्सो. क्योंकि 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन आर अ बिग डील. कई लोग 50 क्वेश्चन को टच भी नहीं कर पाते. फॉर दैट मेक अ स्ट्रेटेजी. ठीक है मुझे एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट से ज्यादा वेस्ट नहीं करना है. इफ यू थिंक यू आर गेटिंग द आंसर इट इज ओके. इफ यू थिंक यू आर नॉट गेटिंग द आंसर मूव अहेड. इफ यू हैव टाइम कम बैक टू इट अदरवाइज लीव इट. क्योंकि हो सकता है आप उस हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में आगे के 4 या 5 सिंपल क्वेश्चन जो कि विद इन अ मिनट खत्म विद इन अ मिनट 4-5 क्वेश्चन कर सकते हैं आप उन्हें छोड़ दें. ओके सो माइन जैसे मेरी एक स्ट्रेटेजी रहती थी जब मैं प्रिपेयर करता था कि मैं जब भी अगर मैं मैथ्स कर रहा हूँ तो व्हाट आई डू कि मैं टाइम लिमिट के साथ ही करता था बिकॉज वरना मैं अपने काम में खो जाता था या मैं 4-5 क्वेश्चन करके थक जाता था. सो डू द सेम और यू हैव सम अदर थिंग कि भाई एक बार प्रैक्टिस कर ली फिर टाइम लिमिट में अलग से प्रैक्टिस करिए. नहीं डेफिनेटली यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर द टाइम. जैसे आपके पास जैसे मैं क्या करता था प्रीवियस मैं जो एक्सरसाइज लगाई जस्ट फॉर प्रैक्टिस उसको फ्री टाइम में लगाया. लाइक देयर इज नो टाइम लिमिट. बट व्हेन आई यूज्ड टू कम टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट आर देयर इन दैट बुक उनको मैं टाइम लिमिट में करता था. लाइक द 15 क्वेश्चंस आर देयर आई अलॉटेड 15 मिनट्स टू माई सेल्फ ऑन अ स्टॉप वॉच एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग देम. क्योंकि अगर आप एग्जाम में भी जाओगे तो देयर विल बी 10 क्वेश्चंस अबाउट फॉर दैट टॉपिक. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री. अगर 10 क्वेश्चंस हैं तो यू हैव ओनली 10 मिनट्स और आई कैन से यू हैव 12 मिनट्स. ठीक है चलो गोइंग एज पर द एवरेज यू हैव 12 मिनट्स. तो अगर आप 10 मिनट्स की प्रैक्टिस करोगे देन यू विल बी एबल टू फिनिश इन 14. और एग्जाम में जाके आप हो सकता है वो आपका क्वेश्चन जो 14 मिनट्स में आप 10 भी ना कर पाओ 8 या 9 कर पाओ बिकॉज एग्जामिनेशन प्रेशर इज देयर. तो अपने आप को टाइम लिमिट में सेट करना जरूरी है. लाइक टेक योर फोन टेक अ स्टॉप वॉच और अपने आप को मॉनिटर करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पकड़ो और अपने टाइम को मॉनिटर करो कि ठीक है मैं ये 15 क्वेश्चंस कितने टाइम में कर पा रहा हूँ. अगर मैंने 15 क्वेश्चन 25 मिनट्स में करे दैट मीन्स आई एम स्लो. अगर 15 मिनट्स में करे तो दैट मीन्स आई हैव अ गुड डिसेंट पेस. ओके सो मूविंग अहेड अब आपने CDS क्वालिफाई कर लिया. अब आपकी 3 SSB थी. सबसे पहले आप सबसे बड़ी बात ये थी कि आप तीनों ही में स्क्रीन इन हो गए. आपने चार एस एस बी या चारों में ही आप स्क्रीन हो गए. सो अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो उसके लिए एटीट्यूड क्या होना चाहिए? स्क्रीनिंग के लिए देर आर सर्टेन थिंग्स. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी पॉजिटिव एंड डोंट थिंक अबाउट यू विल गेट स्क्रीन इन और नॉट. क्योंकि अगर आप ये सोचने लगे मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो दैट विल हैम्पर योर परफॉर्मेंस. सो बी काम बी कम्पोज्ड. आप ये सोच के जाए कि ठीक है आई जस्ट नीड टू गिव माई बेस्ट एंड दैट्स द ओनली द एटीट्यूड यू शुड हैव. ओके नाउ इफ यू गो लिटिल मोर इन डिटेल अपना जो स्क्रीनिंग होता है वो 4 पार्ट में होता है. फर्स्ट हो गया OIR देन PPNDT देन नरेशन एंड लास्ट GD. अगर हम OIR की बात करें तो OIR में 2 पार्ट होते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल.
इसके साथ मैं जानना चाहूंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है ओआईआर की आपके लिए। ओआईआर इज वेरी क्रूशियल फॉर एन ऑफिसर। व्हाट हैपेंस इज कि वहां पर आपको एक लिमिटेड टाइम में मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं एंड दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ फास्ट यू कैन वर्क, कितना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है। सो द बेटर यू विल परफॉर्म इन योर ओआईआर हायर चांसेस ऑफ गेटिंग स्क्रीन्ड इन विल बी। ऑल्सो देखिए बेसिक मेरा अपना ये मानना है दैट ओआईआर इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन सेक्शंस लाइक इफ यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 85 to 100% और 80 to 100% यू विल गेट एन ओआईआर वन एंड इफ यू विल गेट 60 to 80% यू विल गेट एन ओआईआर टू एंड सर्टेनली एंड डिवाइडिंग इट इनटू अ सेक्शन ऑफ 20 यू विल गेट 3, 4 and 5। सो द बेटर योर ओआईआर विल बी चांसेस ऑफ यूर गेटिंग स्क्रीन इन विल बी मोर। सो ओआईआर इज वेरी क्रूशियल। लोग क्या सोचते हैं कि दे डू नॉट इवन लुक एट योर ओआईआर स्कोर बट योर आंसर शीट गेट्स चेक एंड दे हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले इन योर स्क्रीनिंग। आई ऑलवेज प्रैक्टिस एक्ट एप्टीट्यूड बिफोर गोइंग टू द एसएसबी। उससे होता है क्या है कि आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका ओआईआर उतना अच्छा रहेगा एंड आपका एक आपका मेंटल एटीट्यूड आपका क्या मेंटल एबिलिटी कितनी है वो आपकी हाईलाइट होगी। क्योंकि आई बिलीव 40 to 45% ऑफ द वेटेज इन स्क्रीनिंग इज बिकॉज ऑफ द ओआईआर। लोग मानते हैं कि ओआईआर इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट फॉर मी ओआईआर इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत आपके सिलेक्शन को आपकी स्क्रीनिंग को बहुत मैट हेल्प करता है। आप ओआईआर अच्छे से अच्छा करो एंड आई सजेस्ट इट्स 40% यू आर डन। ओके यहाँ पर शायद मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा, अगर आप एग्री करते हैं तो बताइएगा। ओआईआर हमारे पीआईक्यू फॉर्म पे कोने पे लिखा हुआ होता है जब हम सेकंड स्टेज पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वहां पर भी जाके कैरी होता है। Am I right? Yes, you are right. आपके ओआईआर के टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर योर ओआईआर इज रिटन एंड व्हेनेवर यू विल गो फॉर योर इंटरव्यू आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास आपका पीआईक्यू होगा। एंड नाउडेज द पैटर्न हैज चेंज्ड, दे विल मेक बिकॉज़ इन माय सीडीएस अटेम्प्ट दे मेड मी फिल 3 पीआईक्यूज, वन वाज विद द आईओ, वन वाज विद द साइकोलॉजिस्ट एंड वन वाज विद द जीटीओ। सो योर ओआईआर विल बी विद यू थ्रू आउट योर टेस्टिंग प्रोसीजर। ऐसा नहीं सोच सकते कि ठीक है मेरे इंटरव्यू के टाइम पे मेरा आईओ ही देखेगा। Your psychologist will also have a look on it. Your GTO will also have a look on it. So OIR is very crucial, very, very crucial. आपके साथ पूरे 5 दिन रहेगा वो। So for that you need to work hard. Practice करेंगे, you will be able to attempt questions. आपकी speed बढ़ेगी. Because in my previous attempts there were approximately 35 minutes and 75 questions were there. So you can think आपको 1 मिनट में 2 questions solve करने approximately and even more than that. Okay. तो उसके लिए practice करें. And your OIR will help you a lot. आप जहाँ भी जाएंगे, be it psychology, be it GTO, it will be with you. And the better it is, it will help you a lot during the complete thing. In screening, it will help you get screened in. But आपके पूरे SSB में आपकी बहुत help करेंगे. And better impression you will make on your assessor during the whole 5-day journey. तो please practice OIR a lot. जिससे आपके पूरा impression आपका 5 दिन बनाएगा. Not only on the first day, but completely on your complete 5 days. ओके एक बात मुझे जेबी मॉल साहब की किताब से पता लगी थी, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा और आप कितना एग्री कर रहे हो उससे आप बताइएगा। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, ओआईआर इन टर्म्स बिकम इंस्ट्रूमेंटल एंड समटाइम द डिसाइडिंग फैक्टर व्हेन द डिस्कशन अमंग द असेसर इमर्ज ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, हेंस इफ वंस ओआईआर इज ओके हाफ ऑफ द बैटल ऑफ द सिलेक्शन इज वॉन। दिस ओआईआर फर्दर बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट टू योर ट्रेनेबिलिटी। Better IQ strengthen individual on consuming minimum time for maximum learning. I definitely agree to it. That's what I told you earlier also. Like if you are supposed to answer 75 questions in 35 or 30 minutes, you just know ki mujhe kitna speed se kaam karna hai. So that highlights how quick decision can you make, how much mentally capable you are. So ye cheeze OIR se aapka kafi reflect hota hai. Like obviously if you have a very bad OIR, that means your decision making process, your ability to answer things is very slow. Okay. The better your OIR is, it will show that you have a good aptitude. Aapka reasoning acha hai, aapka speed of decision acha hai, your question solving is good and aapka ek IQ level bhi show karta hai obviously. So complete like factor one OIR mein aa jata hai. Sorry? Complete factor one एक OIR में आ जाता है, that is organizing ability, reasoning ability and effective intelligence जो हम yes yes definitely definitely आपके कई सारी qualities को highlight कर देता है, like time management, biggest thing is time management. If you are supposed to answer 2 questions every minute, that means for that half an hour your brain needs to be fully active. अगर आपका अभी के लिए without any training, if you are not mentally even prepared for half an hour,
तो यू आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, क्योंकि आगे चल के आपको यू नीड टू बी एक्टिव फॉर इवन 2 डेज विदाउट गेटिंग एनी स्लीप. तो अभी आधे घंटे यू शुड हैव अ गुड आईक्यू, गुड डिसीजन मेकिंग, फास्ट आंसरिंग. सो वायर इज रियली क्रूशल. आई डेफिनेटली अग्री टू व्हाट यू सेड. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज अबाउट अ नरेशन, सॉरी पिक्चर परसेप्शन. तो उसमें जब हमें पिक्चर दिखाई जाती है तो पहली बात वो दो हाफ में डिवाइडेड है. एक हो गई कंप्लीटली हैजी पिक्चर, एक होती है सेमी हैजी पिक्चर. हैजी पिक्चर में कुछ नहीं समझ में आता कि करेक्टर का मेल फीमेल है, थोड़ा बहुत एज का आइडिया लगा सकते हैं. वेयर सेमी हैजी पिक्चर हैज कंडीशन जिसमें आपको ये पता लगा करेक्टर है, उसमें सीन एक्चुअल हो क्या रहा है. सो विच इज मोर डिफिकल्ट फॉर यू, हैजी और सेमी हैजी? आई थिंक हेजी वन इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज उसमें इट इल डिस इज डिफिकल्ट टू गेट टू नो द नंबर ऑफ पीपल हु आर देयर. समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ठीक है इसमें करेक्टर्स कितने हैं. अब और एज यू सेड कि पता लगा पाना कि ये मेल है कि फीमेल है, दैट गेट्स डिफिकल्ट. सो फॉर माई स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज कि ट्राई टू लुक एट द पिक्चर इन द अच्छे से पिक्चर को देखो एंड गेट टू नो वॉट इज देयर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, द बैकग्राउंड इज, एंड ट्राई टू कम आउट विद अ मीनिंगफुल स्टोरी फॉर दैट पर्टिकुलर पिक्चर. और जो भी पिक्चर रहती है एंड ट्राई टू थिंक योर सेल्फ एज यू आर इन द पिक्चर. जैसे आप कभी भी अगर सोचें कि अगर इफ देर इज अ कम्प्लीट पिक्चर जहाँ पर सिर्फ फीमेल ही दिखाई दे रही है तो यू नीड टू इंट्रोड्यूस अ फीमेल. अदरवाइज द सेंट्रल करेक्टर शुड ऑलवेज बी अ मेल और जिसकी एज आपकी एज के आसपास होनी चाहिए. लाइक इफ यू आर 21 इट शुड बी प्लस माइनस 2 और 3, लाइक 18 to 24 और 25 एट मैक्स. So that it reflects that you are imagining yourself into that picture. So Mayank, I have just shown you one picture and our viewers can also see on the screen. Looking at this picture, we can see there is a background which is very messed up or ya fir kuch phaila hua hai, something is spilled and there is a person who is standing there. So there can be, first of all we need to get about the background. It can be a park where an event had took place and there are things which are spilled up. वहाँ पर बहुत सारा कुछ कचरा फैला हुआ है, हो सकता है कुछ भी हो, सामान फैला है या फिर समथिंग इज देयर. देयर माइट बी अ आफ्टर पार्टी सीन जहाँ पर एक पार्टी हुई है, वहाँ पर देवर मैनी पीपल और उनका कुछ सामान है जो कि रखा हुआ है. एंड देयर कैन बी एन आइडिया ऑफ रेलवे स्टेशन ऑल्सो वेयर देयर माइट बी अ स्टैम्पीड और इवैक्यूएशन टेकिंग प्लेस वेयर पीपल हैव लेफ्ट देयर स्टफ एंड देयर इज अ पुलिसमैन स्टैंडिंग देयर. इन द पार्टी सीन देयर कैन बी अ पर्सन हु is cleaning that or creating or putting things in order, but it can be a policeman also. If we can see also the age of that person, because he's seeming to be very thin and young and bold, I'll consider him of age approximately 24 to 25 approximately. Okay, so this is the way. So ये आपका यहाँ पर perspective हो गया. but अगर हम semi hazy की picture बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तीन type की picture आती है. एक होती है neutral जिसमें आपको पीछे कोई सीनरी दिखा दी या कोई ब्यूटी वाला पार्ट हो गया, या अगर हम बात करें एक होता है कि डिवास्टेटेड एक्शन है, कोई एक्सीडेंट हो गया है किसी चीज का, या थर्ड होता है थोड़ा सा एक्शन कुछ दिखा दिया हो. तो मैंने आपको पिक्चर्स आपको पहले भी आपको दिखाई थी, तो उसमें एक पिक्चर है जिसमें एक इंसान का एक्सीडेंट होकर चुका है. सो उस पिक्चर में आपका क्या परसेप्शन होता है कि कैसे करना है? जैसे अगर आप देखें पिक्चर में तो एक गाड़ी ने एक टोंगे वाले को हिट कर दिया है. So what's your action और आप उसमें क्या करते हैं? Whenever the scene of accident is there, always try to be a spectator instead of getting into the picture, because if you'll get hurt yourself, there will be no point of making story. Okay. Instead of that, try to be on the other side, because if you'll imagine yourself in the car, you will be involved in an accident और हो सकता है थोड़ा एक negative आपका एक impression जाए. Instead of that, think the central character is a spectator. Who was there standing there? There might be certain characters you can see, or you might, even if they are not visible, sometimes the only scene is there, no character is visible. So imagine that you as a hero were the spectator, you are watching it, that an accident has took place. So aapka ek natural response rahega that I need to help the people who got injured. Like us car ke andar us kya ho sakta hai, us driver ko hurt ho, jo tange baitha hua ho sakta hai tange wala ya uska jo passenger ho wo hurt ho. Even the horse can be taken into the veterinary hospital, because you need to show your concern for every living being. So go it in certain way, like he'll arrange people to take the people to the hospital. He'll also call the veterinary hospital so that the arrangement of taking the horse to the hospital can be taken place.
बट द ह्यूमन लाइफ शुड बी गिवन द मोर प्रायोरिटी एंड इट शुड बी सेव्ड बाय फर्स्टली यू विल गिव हिम योर फर्स्ट एड एंड देन यू विल टेक देम दैट दैट पर्सन टू द हॉस्पिटल. Okay, so coming to next picture, which is a little neutral but having some action, in which it is shown there are the group of children who are on bike and one boy is waving his hand back. So what kind of perspective do you have in that, such kind of little neutral picture? In that, coming to that picture, as you can see, there are three or four students, like young people. I'll not call them students. They are young people and who are going on a ride and some person is waving. Like wave what generally depicts. It depends that you are happy or you are calling someone. So I'll go through this like they have been on an adventure trip or they are going for an outing or something like that. When you go out on a cycle, it must be a trip or you've gone on a picnic or something. And if you want to extend the story, you can be like they faced a problem, like one of the friend's cycle got a simple fracture or something. कुछ प्रॉब्लम आई हो साइकिल में एंड दे वर एबल टू क्योर इट एंड एबल टू कंप्लीट देयर पिकनिक. सो आई सजेस्ट सच काइंड ऑफ थिंग. या फिर फ्रेंड है जो कि कहीं और है एंड दे आर गोइंग टू मीट हिम. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स बिकॉज देयर आर साइकिल और अ बाइक इन्वॉल्व. आई विल सजेस्ट अ एक्सपेडिशन और एन एडवेंचर और अ ट्रिप गोइंग ऑन. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पिक्चर व्हिच इज एक्सट्रीमली न्यूट्रल, इन व्हिच यू कैन सी देयर इज अ ब्रिज एंड फोर थ्री चिल्ड्रन हु आर स्टैंड आई मीन सिटिंग अंडर द ट्री. सो सच काइंड ऑफ न्यूट्रल पिक्चर, हाउ डू यू डील ऑन दैट? Since we can see there are three or four people who are sitting under a tree, तो पहला आइडिया हम ये लगा सकते हैं वो तीन चार लोग पिकनिक के लिए आए हुए हैं. Now talking about the boy who is seen swimming or jumping into the river, उसके लिए हमारे मल्टीपल आइडियाज हो सकते हैं. हो सकता है उस ग्रुप के साथ ही एक बंदा आया था, वो स्विमिंग करने गया है एंड ही गॉट स्टक समवेयर. सो वन ऑफ देम हु आई विल कंसिडर एज द मेन सेंट्रल करेक्टर इन द स्टोरी, वो जाएगा उसको रेस्क्यू करेगा. ये पहला हो सकता है. उसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो बंदा एक लोकल रेजिडेंट हो. अगर हम नदी के पास गए, ऑब्वियसली वी हैव गॉन अवे फ्रॉम आवर होम, तो हो सकता है उस गांव के जो नदी के पास जो गांव है उसका कोई बंदा था, वहां पर किसी काम से आया था एंड ही सडनली फेल इनटू द रिवर. सो दिस कैन बी कंसिडर्ड कि ठीक है वो नदी में जा रहा था एंड ही डिडंट न्यू स्विमिंग. सो आवर सेंट्रल कैरेक्टर वेंट इनटू द रिवर, टुक हिम आउट एंड सेव्ड हिज लाइफ. तो इस तरीके से कर सकते हैं. ही कैन बी पार्ट ऑफ द ग्रुप, ही कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. ओके, सो दिस थैंक्स फॉर दैट. बट एक बात और जानना चाहूंगा, जैसे आपको ये पिक्चर दिखा दी, जैसे हमने बात करी हेजी और सेमी हेजी पिक्चर्स की, तो लोग क्या करते हैं उस 30 सेकंड का स्माल ना करने की बजाय 30 सेकंड के अंदर ही लिखना शुरू करते हैं. तो इज इट राइट और व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? इट इज टोटली रॉन्ग. यू शुड यूज दोस 30 सेकंड्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. वो कैसे होगा? ट्राई टू लुक एट द पिक्चर. आप एक पिक्चर को देखोगे, फर्स्टली यू विल बी एबल टू सी नथिंग. उसके बाद यू विल गेट टू नो कि हाँ इतने कैरेक्टर्स हैं, ये सीन चल रहा हो सकता है. एंड नाउ जब आपके पास ये आप विजुलाइज करोगे तो आपके 15 सेकंड तकरीबन जा चुके होंगे. रिमेनिंग 15 सेकंड्स थिंक ऑफ आइडियाज, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एंड यू विल गेट थ्री और फोर आइडियाज. अब उन तीन चार आइडियाज में से जो आपको बेस्ट लगता है उसको आप पिक करें. ओके, सो हम आ गए, ओआर हो गया, पिक्चर ने परसीव कर ली, 30 सेकंड में हमने पिक्चर लिख ली. अब आते हैं नरेशन पे. नरेशन में बात करना चाहूंगा कि नरेशन में एक बार आपके साथ ऐसा हुआ था कि आप फंबल हो गए थे. आई थिंक दैट वाज अ बेंगलुरु. सो यस यस, तो जब वहां पर हुआ आपका फंबल, तो आपके वहां पर स्क्रीनिंग की सबसे बड़ी वजह ओआर के अलावा और क्या बनी? क्योंकि आपने ओआर हमेशा एक फोकस में रखा है, उसके अलावा और क्या बनी आपकी? ओआर के अलावा यू द क्वालिटी ऑफ योर स्टोरी मैटर्स अ लॉट, कि आपने क्या लिखा है. द स्टोरी इज मीनिंगफुल और नॉट, एज आई मैंशन दैट कई लोग क्या करते हैं, दे मग अप द स्टोरी और हर पिक्चर में वही स्टोरी लिख के आते हैं, थिंकिंग दैट कि हाँ ये ब्लड पिक्चर है, वॉट पीपल थिंक, हमने ये वॉट पीपल थिंक डजेंट मैटर, हमने ये स्टोरी याद कर रखी है और हम यही लिखेंगे. तो वो नहीं करना चाहिए. थिंक ऑफ अ मीनिंगफुल स्टोरी. आपकी स्टोरी अगर मीनिंगफुल है तो डेफिनेटली वो SSRG उस पिक्चर को देख चुके हैं. आपका जो GTO है या बोर्ड का प्रेसिडेंट है, हुएवर सिटिंग देयर, उसने इस पिक्चर को देखा है. अगर आपकी स्टोरी थोड़ा मीनिंगफुल है तो ऑब्वियसली इट विल गिव अ पॉजिटिव इंप्रेशन. फंबल भी अगर आप कर गए, लाइक आई फंबल्ड, तो व्हेन आई फंबल्ड ट्वाइस आई केम बैक टू द नॉर्मल टोन सून. अगर आप गलती करते हैं तो यू शुड बी एबल टू कम बैक टू योर ओरिजिनल थिंग. अगर आपने गलती करी, अगर आप उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है आई मेड अ मिस्टेक, सो यू विल स्पॉयल होल द होल नरेशन. इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू हैड मेड अ मिस्टेक, जस्ट बरी इट देयर ओनली एंड
कंप्लीट द रिमेनिंग नरेशन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, जो आपका एकदम बेस्ट हो सकता है, लाइक टोन मॉड्यूलेशन, पॉजेज, योर लाउड एंड क्लियर वॉइस. आई से आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक क्लियर एंड लाउड. ओके, फंबलिंग इज ओके बट ट्राई टू स्पीक इन अ क्लियर एंड अ लाउड वे. चलो ये तो बात हो गई कि आपका एक सिचुएशन जो आपके लिए टफ थी वो, बट अगर एक नॉर्मल इंसान की पर्सपेक्टिव देखें तो नरेशन के लिए क्या होनी चाहिए भाई, क्योंकि वहां पर तीन असेसर बैठे हैं, मतलब तीन आर्मी ऑफिसर या किसी भी डिफरेंट फोर्सेस के, नेवी, एयरफोर्स, प्लस 22 से 25 लोग बैठे होते हैं, इंसान की तो हवा वैसे ही टाइट हो जाती है यार. तो वहां पर एक इंसान का क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए या किस तरह से तैयारी करनी चाहिए नरेशन की अपने आप घर पे? नरेशन के लिए देयर इज नथिंग बेटर देन प्रैक्टिसिंग मिरर मिरर स्पीकिंग. लाइक आप यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड डिलीवर अ स्पीच. आप कोई भी एक टॉपिक ले लें, लाइक यू टुक अ हेडलाइन फ्रॉम द न्यूज़पेपर, आपने उसका एक क्रक्स निकाला एंड यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर और आप उसको बोल रहे हैं. अगर आप उस मिरर प्रैक्टिस को करेंगे तो उससे आपको क्या हेल्प होगी, यू विल बी एबल टू सी वॉट माई फेशियल एक्सप्रेशन आर, वॉट माई हैंड जेस्चर्स आर, वॉट माई बॉडी लैंग्वेज इज, और ये सब चीज़ें आपको अपने आप नरेशन में इम्प्रूव करने हेल्प करेंगे. ऑब्वियसली आप वहाँ पर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन नरेशन भी है, नरेशन में दैट मीन्स यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, वो ऑब्वियसली आपको इस इंग्लिश बोलना अच्छे से आना चाहिए. एंड मिरर प्रैक्टिस विल हेल्प यू इन गेटिंग टू नो कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, मेरा हैंड मूवमेंट क्या है, मेरे हैंड जेस्चर्स, मेरा बॉडी मूवमेंट, एवरीथिंग. तो माई ओनली सजेशन विल बी कि मिरर प्रैक्टिस करो. एंड और उसके अलावा आपका एक स्टेज फियर, लोगों के अंदर क्या होता है, लोग सामने दिखाई देते हैं तो दे गेट स्टक अप, वो फंबल करना स्टार्ट करते हैं, स्टैमरिंग होना स्टार्ट होती है. तो उसके लिए ये है कि ट्राई टू पार्टिसिपेट इन इवेंट्स सो दैट आपका वो स्टेज फियर निकलना स्टार्ट हो. फर्स्टली आप स्टेज पे जाएंगे, यू माइट नॉट बी एबल टू स्पीक एनीथिंग, धीरे धीरे करके वो चीज़ इंप्रूव होगी. सो दैट थिंग विल हेल्प यू इन कमिंग टू द नरेशन ऑल्सो. आपके सामने इतने सारे लोग होंगे, स्टिल यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि अपने पॉइंट को, अपनी स्टोरी को अच्छे से लेकर आप पॉइंट पुट फॉरवर्ड कर सके. ओके, अच्छा बाकी चलते हैं, नरेशन तो हो गया आपका, अब आता है मोस्ट फियरफुल, मोस्ट डिवास्टेटिंग, मोस्ट क्या कहें इसमें, सबसे ज्यादा खतरनाक, जिसके बाद लोग अपना इंटरप्रेशन करने लगते हैं, यार मैं तो अच्छा दिया था इसकी वजह से हो गया, तू ही है वो है जीडी, फिश मार्केट. सो हाउ यू डील विद दैट, एंड क्या हमेशा अच्छा गया है कि कभी ऐसा भी हुआ है बिना बोलने का, मतलब बोलने का चांस नहीं मिला आपको? फिश मार्केट तो देखो उसमें क्या होता है कि देर आर 15 पीपल, लिमिटेड नंबर ऑफ मिनट्स दैट ही गिव यू. वो लोग बोलते हैं वील गिव यू 15 मिनट्स बट दैट गेट गेट्स ओवर इन 5 मिनट्स ऑल्सो. तो मेरा पहला सजेशन कि डोंट गेट इन टू द फिश मार्केट. अगर आपको लग रहा है 10 से 12 लोग एक साथ बोल रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर शाउटिंग, सो जस्ट स्टे क्वाइट. बिकॉज अपने आप आपके जो एसेसर से यू दे विल आस्क यू टू क्वाइट और दे विल डिवाइड यू इन टू टू ग्रुप्स, दैट थिंग विल टेक प्लेस. जैसे मेरे साथ अभी सीडीएस एंट्री में रिसेंटली हुआ था, दैट आई डिडंट स्पोक फॉर अप्रॉक्सिमेटली 2 to 3 मिनट्स बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ क्यूज गोइंग ऑन देर. तो वॉट आई डिड, आई स्टेड क्वाइट और फिर अपने आप जी टी ओ खड़ा हुआ, ही सेड दैट आई विल डिवाइड यू इन टू टू ग्रुप्स. वी वर 16 सो वी वर डिवाइडेड इन टू ग्रुप ऑफ 8 ईच. सो वैन द अदर 8 पीपल वर स्पीकिंग देर वॉज अ लॉट ऑफ क्यूज अगेन. बट वैन इट केम टू आर ग्रुप, माई ग्रुप मेंबर्स वर वेरी हेल्पफुल एंड हम लोग ने ऐसा कर लिया कि ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिसाइड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, दैट देर आर 4 कैरेक्टर्स और 5 कैरेक्टर्स, 4 आर मेल एंड लाइक देयर एज एंड द बैकग्राउंड इज दिस कमिंग. अगर आप इतने सारे आइडियाज रख दोगे, आई थिंक देर आर 4 कैरेक्टर्स, आई थिंक दे आर द बैकग्राउंड इज लाइक वी कैन सी देर इज अ फॉरेस्ट बिकॉज ट्रीज आर विजिबल और देर इज अ माउंटेनियस थिंग बिकॉज ऑफ अस, ऑफ 8 ऑफ अस 3 ऑफ अस हैज सेड देर इज अ माउंटेन और अ रॉकी स्ट्रक्चर. सो आई थिंक देर बैकग्राउंड इज दिस एंड आई ऑलवेज से दिस that I would like to put forward that this might be the idea, what my story is. Like in my previous attempt, I gave the idea that a person with the help of his friend is taking an injured person on his shoulder. So I'll say that we can see there is a human which is holding someone on his shoulder. It is visible from the picture. Don't ever say that take my story as the group story. Take that we can take this idea also. Try to give you a point instead of making it accepted. अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड करो कि ठीक है, मेरे हिसाब से 4 लोग हैं, ये बंदा है और ये किसी एक लेडी को उठा के ले जा रहा है शोल्डर पे, शी माइट बी इंजर्ड, वो कुछ भी हो, वो आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, बट आपका जो भी स्टोरी है उस स्टोरी का एक हाईलाइट रखो कि ठीक है, आई थिंक दिस माइट बी द आइडिया. फिर सम पीपल विल से दैट वी कैन थिंक ऑफ दिट दिस ऑल्सो. फिर आपका थोड़ा डिस्कशन होगा उस 30-40 से, बिकॉज अगर आपका सब ग्रुप कर दिया है तो यू विल गेट अ मिनट ऑल्सो ओनली. तो उस सब ग्रुप में आप ये डिसाइड करें कि ठीक है, I think 4 of us are agreeing to it, so let's see that we should go with this story only. So
इन माई रिसेंट अटेम्प्ट दिस हैपेंड, बट समटाइम्स लोग अग्री नहीं करते हैं आपकी स्टोरी के ऊपर. तो एट दैट टाइम यू जस्ट पुट फॉरवर्ड योर आइडिया एंड लुक फॉर चांसेज. बिकॉज अगर आप सोचे कि मैं नहीं बोलूँ और मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, दैट इज इम्पॉसिबल. लुक फॉर चांसेज. जब आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा शांति है, आई कैन पुट फॉरवर्ड माई पॉइंट, सो पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट एट दैट टाइम ओनली. अगर आप चुप रह के चाहेंगे कि ठीक है मैं चुप रह के सेलेक्ट हो जाऊँ, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और आई थिंक यू वॉन्ट गेट सेलेक्टेड. तो लुक फॉर योर चांस, ग्रैब अपॉर्चुनिटीज. बिकॉज कई बार ऐसा होगा आपके डिस्कशन के टाइम पे दैट यू विल सी कि आपको चांस नहीं मिल पा रहा है यार, सब लोग चिल्ला रहे हैं. सो जब आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा शांति है, सो यूज योर चांसेस. आपको चांस निकालना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू थिंक दैट आई विल नॉट स्पीक अप एंड स्टिल आई विल गेट सेलेक्टेड, दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. सो फॉर दैट लुक फॉर चांसेज एंड ग्रैब दोज चांसेज. जब आपको लगता है कि ठीक है नाउ आई शुड स्पीक, स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट एंड स्पीक विद योर आइडिया कि ठीक है आई थिंक दिस शुड बी द आइडिया, दिस इज विजिबल इन द पिक्चर. डोंट एवर से दैट कि मेरी स्टोरी एक्सेप्ट करो, बट से दैट आई थिंक दिस कैन बी द आइडिया, वी कैन टेक इट इफ यू ऑल अग्री. ओके, सिंस इट इज अ ग्रुप डिस्कशन, सो अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करने की जगह से दैट दिस इज द आइडिया वी कैन थिंक ऑफ. ओके, बट ये तो हो गया. बट कभी ऐसा बिल्कुल हुआ है कि आपने एक बार भी जीडी में ना बोल पाए हो, या आपने बोला हो तो बस वो फिश मार्केट की तरह बस अंदर रह गई हो, लोगों के सामने नहीं आ पाई हो, कभी ऐसा हुआ है क्या? हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ. जब मैं एनडीए अटेम्प्ट में गया था तब मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बोला ही एक बार था, एंड दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज इन द फिश मार्केट एंड आई स्पोक जस्ट बिकॉज कि मैं बोल ही नहीं पा रहा था. सो मुझे जितना चांस मिला, भीड़ थी, बट आई स्पोक अप. आई लुक टुवर्ड्स टू और थ्री पीपल एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग. सो दैट कम से कम आप पार्टिसिपेट करो. अगर आपको लग रहा है कि मुझे बिल्कुल चांस नहीं मिल रहा है, यू हैव नथिंग टू डू, सो यूज दैट अप्रोच ऑल्सो. ठीक है, मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता, जीटीओ विल स्टैंड अप एंड से ओके इट वॉज अ ग्रेट डिस्कशन, ओके थैंक यू. आपको लग रहा है खत्म होने वाला है तो जंप इन टू दैट फिश मार्केट एंड स्पीक वंस ओनली. ओके, सो यहाँ तक की एक रक्स पे अगर बात पे आए तो अगर किसी इंसान को स्क्रीनर होना है तो दो बात तो मेन है जो उसे ध्यान रखनी होगी कि ओया या जो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करे, सेकेंड उसका स्टोरी कैसा बनाए, थर्ड नरेशन, एंड फोर्थ अगर जीडी में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका ढूंढना ही होगा किसी तरह, नहीं मिले तो ठीक है, बट ये दीज थ्री थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर. यस यू आर राइट. आई से कि अगर आपकी स्टोरी मीनिंगफुल है, आपका नरेशन अच्छा है, आपका ओआईआर अच्छा है, अगर आप डिस्कशन में एक बार भी बोले हैं तो यू हैव अ चांस ऑफ गेटिंग स्क्रीन एंड अप्रोक्सीमेटली 90-95%. ओके, बिकॉज अगर आपके स्टोरी का आइडिया अच्छा है तो दैट मींस इट विल गिव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द असेसर्स और आपके स्क्रीन एंड होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे. ओके, सो मयंक आपने बिना कोचिंग से भी एक बार ली और आपको तब रियलाइज हुआ था कि कोचिंग इज नॉट दैट फ्रूटफुल, तब आपने अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट कैसे लाया और आपको क्या डिसीजन लिया आपने तब? लाइक फॉर पर्टिकुलरली एसएसबी आई लाइक टू सजेस्ट कि ये मैं सबको ही बोलता हूँ दैट यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर. सो ऑल्दो दिस थिंग वाज टोल्ड टू मी बाय अ जवान, मैं एसएसबी देने गया था इलाहाबाद, वहां पर हमारे सीएचएम सर जो थे ही टोल्ड मी दिस दैट आई वाज टॉकिंग व्हेन आई वाज स्टैंडिंग इनटू द लाइन और मैं इधर उधर बातें कर रहा था और आई वाज चिलिंग वेरी, मतलब क्योंकि मैं बहुत वैसा था कि ठीक है मजे ले रहे हैं, ठीक है आई वॉज वेरी नॉर्मल. तो ही सेड मी दिस दैट यहाँ ऑफिसर बनने आए हो, ऑफिसर की तरह रहना शुरू करो. तो माई पर्सनल सजेशन टू एवरी वन विल बी दैट इफ यू वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर, स्टार्ट लिविंग लाइक एन ऑफिसर टूडे इट सेल्फ. दैट विल हेल्प यू लॉट. आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ एम्पायर होना शुरू हो जाएंगी कि ठीक है आई शुड टेक एन इनिशिएटिव, आई शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, आई शुड बी लाइक ट्रस्टवर्दी टू पीपल, आई शुड गेट अलॉन्ग विद द पीपल, सोशल अवेयरनेस, everything like reading newspapers, these are certain things that an officer have. Decision making, aapka stamina, all these things, aapka courage, these things will get imbibed into your personality when you will start living like an officer. Ek officer ka ek particular moment pe kya approach rahega, is particular situation mein uska kya reaction rahega, if you will start practicing that into your daily life, you will definitely have a upper edge in the SSB. ओके, बट जैसे कुछ OLQs होती हैं, जैसे हो गई सोशल अडेप्टिबिलिटी या डिटर्मिनेशन या करेज, तो करेज के लिए यार आपको रोज तो मौका नहीं मिलता कि दुनिया बचा लो आप या कुछ ऐसा कर लें, या डिटर्मिनेशन की बात करें कोई बड़ा ऐसा टारगेट, तो हाउ डू यू वर्क ऑन दैट पार्ट? लाइक वी कैन ऑब्वियसली वी कैन नॉट कवर ऑल द 15 ऑफ द OLQs इन द डेली लाइफ, बट करेज इज नॉट लाइक कि आपको बहुत कुछ बड़ा करना पड़ेगा दैट यू विल हैव टू अवर्ट अ ट्रेन एक्सीडेंट और आपको कोई बड़ी चीज रोकनी पड़ेगी. इट इज नॉर्मल इन डेली लाइफ. अगर आपको लगता है कि ठीक है कोई गलत आपके सामने कुछ हो रहा है,
तो स्टैंड अगेंस्ट दैट. अगर आप किसी शॉप पे खड़े हो, दैट शॉपकीपर इज नॉट स्पीकिंग टू द अदर पर्सन वेल, यू कैन कन्फ्रंट हिम. अगर आप कहीं किसी ट्रेन में कर जा रहे हो एंड देर इज अ पर्सन हु इज बुलिंग समवन, वहां पर आप स्टैंड लो. देर आर सर्टेन बेसिक थिंग्स. आपको लाइफ में छोटी छोटी चीज है ना, दीज थिंग्स विल गेट बिगर इन द फ्यूचर. अगर आप जैसे एक आपने वीडियो है नेवी का बहुत फेमस, जैसे वो हाउस द जोश करके, लाइक देर इज अ वीडियो, देर इज अ मोटिवेशनल वीडियो देर. तो वहाँ पर बोलता है दैट इफ इन दिस परेड ग्राउंड यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर बेस्ट, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट इन द फील्ड ऑल्सो वेन यू विल बी एबल टू गिव अप योर लाइफ. तो डेली लाइफ में छोटे छोटे इम्प्लीकेशन करो, ठीक है ना. अगर आपको लग रहा है कि ठीक है समवन इज जस्ट बुलिंग अ पेट और समथिंग, एक कुत्ता जा रहा है किसी ने उसको मार दिया, तो कन्फ्रंट दैट पर्सन. इन चीज़ों से आपके अंदर बड़ी चीज़ें करने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी आएगी और यू विल बी एबल टू इम्प्रूव दैट थिंग ऑल्सो. बाई स्मॉल थिंग्स यू विल अचीव बिग. अच्छा, अब हम SSB पे चलते हैं. नाउ मूविंग टू सेकेंड स्टेज, जिसमें हमारा पहला होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट. सुबह सुबह 6 बजे उठा देते हैं, कुछ काम धंधा हो रहा हो, खाना खिला के फटाफट चलो, और हमारी परेड शुरू हुई. और आपका सामने आती है टैट, साथ में वैट, फिर SRT. सो जब हम टैट वैट SRT की बात करते हैं, तो उसमें टैट की स्ट्रैटेजी तो वैसी ही रहेगी जैसे PPNDT की, या कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी है उसमें? नो नो, मेरी स्ट्रैटेजी सेम रहती है कि यूज योर 30 सेकेंड्स इन सच अ मैनर कि आप उस पिक्चर को देख के आप 2 या 3 आइडिया सोचो. ओके. आपको एक पिक्चर देखोगे, यू विल सी, वहां बहुत पिक्चर क्लियर होगी, यू विल एबल टू सी कि कितने कैरेक्टर्स हैं, वो मेल हैं कि फीमेल हैं, यंग हैं कि एजड है. काफ़ी क्लियर पिक्चर होती है, यू विल गेट अ सर्टेन नंबर ऑफ आइडियाज. आपको 2 या 3 आइडियाज मिलेंगे, एंड उन 2 या 3 आइडियाज में जो आपको बेस्ट लगे उसको आप पुट फॉरवर्ड करें. ओके. सो यहाँ तक हो गई 11 पिक्चर की बात, बट बात आती है 12 पिक्चर की, जिसमें कुछ नहीं होता. सो व्हाट्स योर स्ट्रेटजी ओवर देयर? 12 पिक्चर के लिए मेरा जो अप्रोच रहता है वो ये रहता है कि यू हैव जस्ट सीन द 11th पिक्चर. उस 11th पिक्चर से ही रिलेटेड आप कुछ 12th पिक्चर में भी बना दें, बिकॉज अगर आपने 11th पिक्चर को देखा है तो यू विल गेट 2 और 3 आइडियाज डेफिनेटली. अब उन 2 या 3 आइडियाज में से आपने जो बेस्ट आइडिया था वो 11th पिक्चर में लगा दिया, बट योर सेकेंड आइडिया विल ऑल्सो बी वेरी फ्रूटफुल, जितना मेरा मानना है. तो उसी आइडिया को लेकर आप 12th में लगा सकते हैं. सेकेंड अप्रोच कैन बी कि आप एक स्टोरी याद करके जा सकते हैं और आप उसको वहां पर लिख सकते हैं. तो मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है वो यही रहता है कि 11th पिक्चर को देखो, एंड सिमिलर टू दैट राइट समथिंग इन द 12th पिक्चर, सो दैट आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा एंड यू विल बी अब्रप्ट एंड टू द पॉइंट उसी टाइम पे. ओके, दैट्स ग्रेट. सो दिस इज द वे, एक चीट कोड है कि भाई आप यू 11th पिक्चर से आपने ऑलरेडी आधी मेहनत कर रखी है सोचने की, उस आधी मेहनत को इस्तेमाल करके बस अब लिखने का काम बच गया आपका. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड आते हैं वैट और SRT पे. अगर हम वैट की बात करें तो वैट में 3 टाइप के वर्ड्स आते हैं. एक होता है न्यूट्रल, एक होता है समथिंग अबाउट नेगेटिव, एंड समथिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव. तो हम उसका उसके ऊपर आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे, पर्सपेक्टिव आपका क्या है. ओके, देन फर्स्ट वर्ड इज नेगेटिव, विच इज कॉल्ड हेट. सो वट इज योर सेंटेंस ओवर इट, और वट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन इट? लाइक नेगेटिव इज अ हेट वर्ड, सो आई विल राइट दैट सोसाइटी हेट्स द एंटी सोशल एलिमेंट्स. सो इन दिस मैनर आपको एक नेगेटिव वर्ड मिला है, बट यू आर एबल टू हाईलाइट इट इन सच अ मैनर कि वो एक नॉर्मल सेंटेंस बन गया और आप एक ट्रुथफुल फैक्ट रख रहे हो, बिकॉज एंटी सोशल एलिमेंट्स आर अ बून टू आर अ बेन टू अ सोसाइटी. सो अगर आप उस चीज़ को अगर हाईलाइट कर सकते हो, उस नेगेटिव को भी आप एक न्यूट्रल या पॉजिटिव बना पाए, तो दैट विल बी अ ग्रेट एडवांटेज फॉर यू, दैट यू कैन सीक पॉजिटिविटी इन टू अ नेगेटिव वर्ड ऑल्सो. ओके, वन थिंग आई हैव नोटिस इन योर सेंटेंस, इट इज वेरी शॉर्ट. सो हाउ डिड यू प्रैक्टिस विद द शॉर्ट सेंटेंसेस, कि यार लिमिटेड टाइम में शॉर्ट सेंटेंस बना पाए हैं? यू हैव गॉट 15 सेकंड्स जहां पर आपको उस वर्ड को देखना है, उसका मीनिंग पता करना है, यू एंड यू नीड टू राइट अ सेंटेंस ऑल्सो. सो आप जितना शॉर्ट में रख के अपना पॉजिटिविटी शो कर पाएंगे, बेटर इट विल बी. इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है. लाइक यू कैन प्रैक्टिस यूजिंग अ बुक ऑल्सो. यू टेक अ बुक और लाइक देर आर सर्टेन फ्रॉम अरिहंत बुक इज देयर, कर्नल नटराजन बुक इज देयर, ऑनलाइन प्रैक्टिस क्वेश्चन आर देयर ऑन SSB क्रैक ऑल्सो. देर आर सर्टेन थिंग्स. आप उन प्रैक्टिस वर्ड्स को लो, राइट देम डाउन एंड राइट देम डाउन इन 30 मिनट्स ओनली. ओके, सॉरी 15 मिनट्स ओनली आपके, क्योंकि आपको 15 सेकेंड्स मिल रहा है तो यू विल गेट 15 मिनट्स ओनली. उन 15 मिनट्स में कितने वर्ड्स कर पा रहे हैं, फिनिश इट ऑफ एंड देन ट्राई टू गेट नो कि ठीक है मैंने सेंटेंस लिखा है, इट इज नेगेटिव इज इट इज पॉजिटिव, या मैं किसी को ऑर्डर तो नहीं कर रहा, बिकॉज यू शुड नॉट ऑर्डर समवन कि ठीक है यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड. सो अगर आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, दैट ऑल्सो हाईलाइट्स इन टू आई विल से दैट आई ऑलवेज बिलीव दैट इट विल हाईलाइट योर नेगेटिव पर्सनैलिटी.
सो ट्राई टू गिव आउट फ्रूटफुल सेंटेंसेस, शॉर्ट क्रिस्प एंड पॉजिटिविटी शुड बी हाईलाइटेड इन टू एवरी सेंटेंस. कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड जो कि है हमारा न्यूट्रल वर्ड, वो है ऑपरेट. सो व्हाट विल योर सेंटेंस ऑन ऑपरेट? माई सेंटेंस विल बी डॉक्टर्स टेक फुल प्रिकॉशन वाइल डूइंग ऑपरेशंस. एंड इफ आई जस्ट मूव टू वन पॉजिटिव वर्ड दैट इज रिजल्ट, सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? Meritorious students were awarded after the results. So in that way, I like to simplify it a more. When you say awarded, meritorious, so in that way you have highlighted two or three words in a particular sentence. So आपकी कितनी positivity आपके दिमाग में है, उस चीज को आप highlight कर पाओगे अपनी एक particular line के through. अच्छा, इसके बाद जरा मैं हम आते हैं SRT पे. SRT इज अ काइंड ऑफ थिंग कि सेंटेंस हमें दे दिया और सिचुएशन दे दी हमें, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें एक शॉर्ट फॉर्म में एक रिजल्ट लिखना होता है. और उसमें भी कई सिचुएशन आ गई है. एक आपको एक्सट्रीमली नेगेटिव सिचुएशन दे दी, दूसरी आपको पॉजिटिव दे दी, और समथिंग तीसरी सोशली एडजस्टेबल दे दी. तो हम जरा उन्हीं सेंटेंस पे बात करते हैं. पहला सेंटेंस है, ही वॉज वंडरिंग वाई मोस्ट ऑफ द ऑफिसर इन इंडिया वर्क करप्ट एंड ही डैश. सो सेंटेंस हमारे दोस्त अभी देख पा रहे हैं. सो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है इस पर? So my point of view will be he got over the internet and got to know about this false statement. So I would like to be very I will be very honest at this, that if you'll talk practically, we all know that officers in India are corrupt. It is a general thing. But if you'll write that, so that means you'll also be an officer tomorrow and you might give a negative impression in that. So for that I'll suggest that try to show that yes, we are very honest and the thing is good. That is my personal opinion. Achha. I'll write this. Okay. So if next question is on social adjustability, you find your hostel roommate not very friendly with you. You dash. Inquired him about the problem and sort it out and start living happily. So the third question is about your leadership and your tough situation. Like, his captain was injured before a crucial match. He was asked to lead the team. He. In that state, I'll write that practice harder, make a strategy, work with the team and won the match. Okay. So what we understand or conclude हम निकाल सकते हैं कि first आपको जो भी situation है वो positive लेकर चलनी है. Second आप उसको short में लिखें. Otherwise जो वो time frame है वो आप catch नहीं कर पाएंगे. Am I right? Yes, definitely. Because आपके पास 30 seconds हैं एक particular situation को react करने के लिए. तो if you'll write that I will go there and then I will do this, so it will be very long. So instead of that, write your actions only. That आपकी बात आई जैसे talking about your team. You are asked to lead your team. So practice harder, make strategy with team, win the match. Write write commas in between. Okay. So in that way, you will be able to answer what you are supposed to, and also आप उसको short में कर पाएंगे, because if you'll write and then I will do this and then those 6 or 7 words will eat up your some time. So okay. You, if you'll save them, you'll be able to do more SRTs. Okay. So you are like make strategy, comma, do hard work, comma, win the match. That's it. Yes. Okay. Yes. Let's move forward. अब आती है बात सेल्फ डिस्क्रिप्शन की. अगर सेल्फ डिस्क्रिप्शन की बात करें तो योर पर्सपेक्टिव इसकी पहले से तैयार करके जाओ कि ऑन द स्पॉट करो या और समथिंग एल्स यू हैव? नहीं नहीं, आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं पहले से पढ़ के जाऊं उसको. व्हाट हैपेंस इज कि उस टाइम पे अगर आप उसको याद करके जाओगे तो उस 15 मिनट को बेस्ट यूटिलाइज कर पाओगे. इफ यू विल बी अबरप्ट इन दैट, इट विल हेल्प. इट विल व्हाट विल हैपन कि आप उस टाइम पे ही सोच के लिखोगे, यू विल मिक्स अप सर्टेन वर्ड्स. हो सकता है आपकी क्वालिटी आप भूल जाओ, जो आपकी क्वालिटी आपको हाईलाइट करानी है. एंड फॉर सेल्फ डिस्क्रिप्शन ट्राई टू बी 100% ओरिजिनल, बिकॉज वो है सेल्फ डिस्क्रिप्शन आपके लास्ट में. तो व्हेन द साइकोलॉजिस्ट विल स्टार्ट, ही विल रीड योर स्टोरीज, ही विल रीड योर वर्ड्स, वेट ही विल रीड योर एसआरटीज, ही विल गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. एंड इफ यू विल मैच योर क्वालिटीज दैट द साइकोलॉजिस्ट हैज ब्रिंग आउट फ्रॉम योर 3 ऑफ द अर्लियर टेस्ट, अगर आपने वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में हाईलाइट करा दिया तो यू हैव परफॉर्म्ड रियली वेल. सो ट्राई टू बी ओरिजिनल. अगर आप ओरिजिनलिटी लिखोगे तो आपकी साइकोलॉजी में ओरिजिनलिटी हाईलाइट होगी and you will give make a great impression. So self description, please prepare before going to the test. Just prepare your self description and be 100% truthful in that.
वॉट यू पेरेंट्स थिंक ऑफ यू, आस्क देम कि आप क्या है, वॉट यू थिंक दैट दे माइट बी थिंकिंग ऑफ यू, आपके टीचर्स क्या सोचते हैं, वॉट आपको क्या लगता है कि आप क्या क्या सोचते होंगे. सो बी ट्रूथफुल. बिकॉज आई मस्ट टेल यू दिस, बिकॉज आई हर्ड, आई रेड सम साइकोलॉजी ऑल्सो फॉर दिस साइकोलॉजिस्ट टेस्ट ओनली, एंड माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, दैट अ साइकोलॉजिस्ट कैन गेट टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी यूजिंग योर राइटिंग ओनली. तो अगर आप सोचें कि ठीक है आई विल डिफाई माई पर्सनैलिटी, आई विल बी डिसऑनेस्ट और आई विल हाइड समथिंग, यू विल नॉट बी एबल टू डू सो. सो जो भी आपने लिखा है पहले के तीन टेस्ट आपके टेट वेट एसआरटी में, आपसे उसकी पर्सनैलिटी आपकी साइकोलॉजिस्ट के पास है. नाउ यू विल राइट समथिंग इन द सेल्फ डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. अगर वो दोनों चीज़ मैच करती है तो इट विल बी अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन ह्यूज पॉजिटिव पॉइंट. सो राइट द थिंग्स, प्रैक्टिस देम एंड स्ट्रेट अवे गो राइट देम इन द सेल्फ डिस्क्रिप्शन. ओके, एक बात, एक क्वेश्चन आई थी आपके टीजर पे ही कमेंट बॉक्स में कि क्या हमें जैसे पेरेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, एम्प्लॉय हैं, टीचर हैं, उनमें उनको भी हमारे बारे में कमी लगती होगी, तो हमें क्या कमी सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिखनी चाहिए या पॉजिटिव बातें लिखनी चाहिए या इम्प्रूवमेंट ऑफ एरिया लिखना चाहिए? इम्प्रूवमेंट शुड बी देयर क्योंकि नो वन इज परफेक्ट. मेरे अंदर भी कई सारी खामियां हैं अभी, और जो भी इंसान अपेयर कर रहा है उस साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के लिए, इवन दो साइकोलॉजिस्ट, दोज एवरी असेसर, एवरी पर्सन हैज सम वीकनेसेस. तो उसको आप कैसे कर सकते हो कि यू जस्ट राइट द प्रॉब्लम दैट यू थिंक. मेरे जैसे मैंने लिखा था कि मेरे पेरेंट्स को लगता है दैट वेन एवर आई कम होम एंड गो टू मीट माई फ्रेंड्स आई कम होम लेट. तो आप ऐसी प्रॉब्लम हाईलाइट कराओ दैट इज नॉट मच रेलिवेंट टू योर पर्सनैलिटी. अगर मैं दोस्तों से मिलकर लेट आ रहा हूँ तो दैट इज नॉट अ वेरी बैड थिंग. ठीक है, दोस्तों के साथ मुझे ज्यादा गो अलोंग होना पसंद है. तो उसके लिए मैं उसके बाद राइट द क्योर ऑल्सो दैट आई एम ट्राइंग टू कम ऑन टाइम सो दैट आई कैन गिव माई फैमिली सम टाइम ऑल्सो. ठीक है, सो दिस वे हाईलाइट अ स्मॉल प्रॉब्लम और उस स्मॉल प्रॉब्लम का आप क्यों क्या क्योर कर रहे हो. लाइक इफ समवन इज राइटिंग दैट मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, इन द सेल्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सेल्फ लाइक वॉट डू थिंक अबाउट योर सेल्फ, उसमें अगर आप लिख रहे हो तो राइट दैट कि ठीक है मैं नॉवल पढ़ता हूँ या आई लिसन टू इंग्लिश वीडियोज और आई प्रैक्टिस राइटिंग सर्टेन सेंटेंसेज, आई राइट टू पेजेस डेली. तो वॉट क्योर्स आर यू अप्लाइंग फॉर दैट, आप उस प्रॉब्लम के लिए क्या क्या सोल्यूशन आप इम्प्लाय कर रहे हो. सो माइंग मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आते हैं, आपका साइकोलॉजी टेस्ट खत्म हो गया होगा, अगले दिन आपसे कहा होगा भाई जी टी ओ के लिए तैयार हो जाओ, अपनी हाफ पैंट पहन के आप तैयार हो गए होगे. सो वहां पर जब आप पहुंचे तो सबसे पहली बात यह कि जो जी टी ओ है वो पीजीटी, एजीटी, एफजीटी, मतलब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क में डिवाइडेड था, प्लस स्नेक रेस हुई होगी और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क हुआ होगा. सो ये सब चीजें आपने कोचिंग कहीं ली नहीं, तो आपको कहीं देखने का मौका भी नहीं मिला होगा. सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? कमिंग टू जी टी ओ, लाइक आपके कई सारे टास्क हैं जैसे जी डी है, जी पी है, पी जी टी. फॉर ईच वन ऑफ देम यू जस्ट राइट इट ओवर यूट्यूब दैट प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क फॉर एस एस बी. सो वेन यू विल लुक थ्रू देम देर आर सर्टेन नंबर ऑफ वीडियोज, आप उन वीडियोज को देखो तो यू विल गेट एन आइडिया कि ठीक है मुझे क्या आइडिया लगाना है. आपको जो बल्ली मिली है, फट्टा मिला है या जो रस्सी मिली है उसको किस तरीके से यूज़ करना है. अब जैसे मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी, आई लुक्ड ओवर सर्टेन वीडियोस कि मुझे पता चल गया कि ठीक है फट्टे को इस तरीके से फंसाना होता है, यहाँ पे ऐसे रस्सी को बांधनी होती है, तो इट गेट्स स्टेबल. सो वेन एवर यू विल गो देयर डोंट थिंक दैट मैंने क्या सीखा था, जस्ट गेट अ क्रक्स कि ठीक है मुझे आगे जाना है तो मुझे क्या मेरे पास ऑप्शन है, फट्टा ऑप्शन है. अब फट्टा में कदम मैं अगर स्टेप करूंगा तो वो इट विल मूव अवर्ड फ्रॉम द बैक साइड. मैं अगर आगे वेट डाल रहा हूँ तो पीछे से ऊपर जाएगा, तो हाउ कैन आई स्टॉप दैट पर्टिकुलर मोशन. अगर आपने उस एक पर्टिकुलर मोशन को रोक दिया तो दैट मीन्स आपका फट्टा स्टेबल, यू विल बी एबल टू वॉक थ्रू. अब ये चीज़ आप वीडियोस देखेंगे तो यू विल गेट सर्टेन आइडियाज कि ठीक है यहाँ पर उन्होंने रस्सी बांध दी थी या इन्होंने बल्ली फंसा दी थी या स्ट्रेट वे फट्टे को ही फंसा दिया था. तो उन वीडियोज के थ्रू आप बेसिक आइडिया ले सकते हैं. टॉकिंग अबाउट जी डी, टू यू मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जैसे हम खाली अभी पीजीटी, एजीटी, एफजीटी की बात करें तो उसमें खाली टास्क को सॉल्व करना इम्पोर्टेंट होता है या टीम के साथ चलना भी उतना इम्पोर्टेंट होता है? यस, टीम वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आपका ग्रुप है, जैसे मेरा ग्रुप 10 लोगों का है, तो ऑब्वियसली ईच पर्सन शुड क्रॉस द ऑब्स्टेकल. तो उसके लिए यह है कि सब लोग अपने आइडियाज देते हैं तो आप भी अपने आइडियाज पुट फॉरवर्ड करें एंड डोंट कम इन हेस्ट कि ठीक है मेरा ही आइडिया लो. आई थिंक जेंटलमैन वी कैन ट्राई दिस आइडिया ऑल्सो, दिस कैन बी हेल्पफुल, दिस वे वी कैन ऑल्सो क्रॉस. सो और किसी को भी ओवर पावर नहीं करा, डोंट शाउट एट एनी वन, बी काम, बी कम्पोज, गिव योर आइडियाज, इम्प्लीमेंट योर आइडियाज.
लाइक अगर आपको लग रहा है कि मुझे रस्सी बांधनी है तो अपने आप से बांधो उसको कि ठीक है मैं इस तरीके से बांधूंगा, मेरा ये आइडिया होगा। और टीम वर्क इज़ वेरी नेसेसरी। इफ़ यू विल शाउट एट देम, इफ़ यू विल नॉट लिसन टू द टीम, इफ़ यू विल नॉट वर्क विद देम, आपके लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा ये। ओके सो कहीं ना कहीं अगर आपके जवाब या रीजन देने में 19-20 हो जाए चलेगा, बट अगर टीम वर्क से आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नेगेटिव काफी जाएगा, राइट? Yes, definitely. Because it is a group testing. Okay. Like group testing, that means you need to perform in a group. अगर आप ग्रुप के साथ ही get along नहीं कर सकते, तो how you will be able to get along in the defense forces? Because you are supposed to be in groups only in future. Okay. So moving forward, अब बात आते हैं GD पे। आप GD के बारे में कुछ कहते थे, मैंने आपको रोक दिया था। हाँ, GD के लिए ये है कि prepare some topics, like you will find it over the internet, right? Like most important topics for GD in SSB. You will find certain number of topics, go through them, get certain number of facts. GD के लिए I suggest कि instead of speaking a lot of number of times, speak जो कि fruitful हो, like put forward certain facts. मैं believe करता हूँ कि if you are speaking 3 or 4 times in a GD, it is sufficient. But the thing is कि try to speak क्या वो eye catching, ear catching लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, English सबको आती है. But I listen to you only when you will speak something different. वो क्या होंगे आपके facts that like मेरे recent GD में the topic was related to Modi government. I highlighted a fact that by 2022 they have a plan to double the income of farmers. So it is a initiative that is taken by that government for the farmers. So अगर आप एक fact रखा मैंने कि 2022 तक उनका ये achievement, इनका ये goal है, या उज्ज्वला योजना में इतने लोग benefit हुए, so if you will put forward certain facts, it will help you a lot. Okay, so moving other parts like individual obstacle race, yeah, simple. अगर individual obstacle की race की बात करें तो एक आम इंसान देखे भागो, obstacle पूरे करो, वापस आ जाओ, तो उसमें वो इंसान क्या जज करता होगा? और उसमें मैंने सुना है कि आपने एक बार जब पहले सेशन में गए थे तो you have done more than 10, and how you able to do that? जैसे मेरा पहला SSB था बैंगलोर में, जैसे मेरा SSC पायलट के लिए आई डिड 12 इन दैट, एंड इन माय नेक्स्ट अटेम्प्ट फॉर CDS आई डिड ओनली 9. तो टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, योर स्टेमिना इज जज्ड डेफिनेटली, वो तो है ही है, क्योंकि आप 3 मिनट में कितना भाग पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो. सेकेंडली, आप कितना ब्रेव हो. ऐसा तो नहीं है कि आप उस कमांडो वॉक पर चल के यू हैव लॉस्ट ऑल द कलर्स ऑफ योर फेस, कि लोगों को डर लगता है. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपने कभी कमांड टास्क नहीं किया है, तो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू विल डू इट इन अ फ्लैश और आप एकदम बहुत स्मूथली कर जाओगे. दे आर एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड बी ब्रेव इनफ कि आप उस हाइट पर जाके 10-11 फीट पर जाके यू शुड हैव अ कंपोज्ड, काम कंपोज्ड मैनर. तो थोड़ा सा अपने अंदर से डर को निकालें, तो उस डर निकलेगा, वो आपके ऊपर दिखेगा कि येस, दिस पर्सन इज अ बिट ब्रेव. आफ्टर ट्रेनिंग ही विल बी एबल टू फिट इन द डिफेंस फोर्सेज, बट एज ऑफ नाउ ही इज फिट एंड ही कैन डू दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट, the number of obstacles that you do, the more obstacle you will do, don't think that मैं 15 कर दिए तो मेरा selection हो जाएगा, नहीं. जितना ज़्यादा करोगे it will be an advantage कि आप physically fit हो, but आपका bravery कितनी है, आपका courage कितना है वहाँ पर, आप क्या strategy लगा रहे हो. Also this is a very important thing, I must tell you this, कि आपकी strategy क्या है, आप कौन सा obstacle पहले कर रहे हो, किस order में कर रहे हो, when you are given the time कि ठीक है आप 2 मिनट हैं आपके पास, आप strategize करो आप किस तरीके से करोगे. तो use those two minutes in such a way that आपकी strategy दिखे GTO को कि ठीक है इस बंदे ने इस तरीके से करा है कि अगर इसका time कम भी पड़ जाए तो he should have got good marks, या अगर एक में fail भी कर जाता है तो आगे छोड़ के चला जा रहा है. तो these are the certain things. Okay, so I like to ask one thing, कि जैसे हर obstacle individual obstacle में होता है, उसको एक number दिया होता है, वही number उसके marks होते हैं, am I right? Yes. Okay. So if you repeat it somewhat, वो आपके marks कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ा रहा, कहीं ना कहीं merit list में आपको एक benefit plus होगा. I don't think कि वो score merit में count होता है. It is just a score that how much you performed in individual obstacles. That is score is not counted anywhere else. Like 10 obstacles, that means 55 marks. More marks you will get, that will reflect that this person is physically very fit, very courageous, and if he can repeat the obstacles, that means he is fast also. Okay. And आपकी strategy अच्छी थी, because मैंने देखा है लोगों को कि physically वो बहुत अच्छे होते हैं, but they are not able to do even 10, because उनकी strategy खराब होती है. So strategize in such a way that आप 10 कर पाएं और उसके बाद repeat भी कर पाएं. Strategy is also very important. Okay, so moving to the other part,
आपका जीटीयू खत्म हो चुका होगा, पर्सनल इंटरव्यू पे आपकी लाइफ आ गई होगी, मतलब आपकी टर्न आ गई होगी. आपका चेस्ट नंबर क्या था पर्सनल इंटरव्यू का लास्ट एसएसबी में? इन माय सीडीएस एसएसबी माय चेस्ट नंबर वाज 13। 13. सो मतलब अराउंड आपका आफ्टरनून या इवनिंग के आसपास ही आपका नंबर आया होगा, राइट? माय इंटरव्यू ऑफ टुक प्लेस ऑन द जीटीओ सेकंड डे इन द आफ्टरनून। ओके. सो जब आपका एसएसबी इंटरव्यू गया, आपने कभी किसी कोचिंग या किसी कर्नल के साथ आपने कभी कोई प्रैक्टिस नहीं की, आपने कोई इंटरफेस नहीं किया, सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू? पर्सनल इंटरव्यू के लिए मेरे प्लेसमेंट्स जब थे तो आई यूज टू गिव मैनी मॉक इंटरव्यूज। तो उससे क्या होता है कि आपका जो डर होता है एक इंटरव्यू के लिए दैट गेट्स ओवर। उसके अलावा व्हेन आई वेंट फॉर माई प्लेसमेंट देर वर सर्टेन इंटरव्यूज दैट आई टुक प्लेस दैट आई टुक। सो उससे आपका क्या होता है कि जितने ज़्यादा आप इंटरव्यूज देते हैं उतना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और उस पर्टिकुलर टाइम पर आप जाके आपको उतना स्ट्रेस फील नहीं होता। ऑल्सो इट वॉज माई फोर्थ अटेम्प्ट। सो वहां तक पहुंचते पहुंचते आप इंटरव्यू से बहुत कुछ आपको सीख गए आदत पड़ जाती है इंटरव्यू देने की। जी. अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें पर्सनल इंटरव्यू फोर पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन, भाई टेल मी अबाउट योर नेम और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. देन रैपिड फायर आ गया, देन उसके बाद आपकी कुछ करंट अफेयर रिलेटेड टू डिफेंस फोर्सेस या टेक्निकल क्वेश्चंस, एंड लास्ट सिचुएशन बेस्ड, कोई टफ सिचुएशन दे दी तुम इसमें क्या करोगे, एंड लास्ट कि आपके लिए आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू आस्क मी समथिंग, एंड टाटा बाय बाय. सो रैपिड फायर के लिए व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी और हाउ डिड यू क्या कहते हैं उसकी तैयारी आपने कैसे की? आई से रैपिड फायर इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं कि आप खुद एक अपने आप एक क्वेश्चन एयर फॉर्म करें, उस क्वेश्चन एयर को अपने आप आंसर करें। लाइक यू जस्ट राइट दैट फ्रेंड्स के रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, वाई ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, वॉट आर द फ्रेंड काइंड ऑफ फ्रेंड्स दैट यू लाइक, वॉट आर द काइंड ऑफ फ्रेंड्स दैट यू डोंट लाइक। सो राइट देम एंड आंसर अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, अपने आप आंसर करते चले उनका। और ऐसे वॉट आई डू, लाइक मेरे से इंटरव्यू पूछा गया टेल मी अबाउट योर एजुकेशन, योर को करिकुलर एक्टिविटीज, योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आई काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन माई फिंगर्स। लाइक आई नी लाइक एजुकेशन इज वन, को करिकुलर इज टू, एक्स्ट्रा करिकुलर इज थ्री। इन दैट वे यू विल गेट टू नो दैट आई हैव बीन आस्क्ड अबाउट सिक्स थिंग्स। यू जस्ट स्टार्ट आंसरिंग, पहले आपका एजुकेशन याद रहेगा, एंड ट्राई टू मेमोराइज ओनली द स्पेसिफिक पॉइंट्स, एजुकेशन, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स, हॉबीज। इन दैट वे अगर आप प्रोसीड करेंगे तो आप एजुकेशन खत्म किया, अब आप आ गए को करिकुलर पे, को करिकुलर मैंने ये किया है, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर पे मैंने ये किया है। तो इन दैट वे आई ऑलवेज यूज टू डू दिस कि फिंगर पे काउंट करो द नंबर ऑफ पॉइंट दैट यू हैव बीन आस्क्ड, और उसके बाद फिर आप आंसर करो। देख आपको लग रहा है आपने मैंने पांच ही फिंगर सभी क्रॉस हुई है मेरी, एक कुछ रह गया है, तो थिंक ऑफ दैट एंड डेफिनेटली यू विल गेट एन आइडिया कि ठीक है ये रह गया है। और इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर से सर आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ इट बट आई हैव लेफ्ट वन टॉपिक, कैन यू इफ यू प्लीज रिपीट आई विल बी एबल टू आंसर। ओके. बी जेंटल, बी जेन्युइन एंड आस्क हिम सर आई एम सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई मिस्ड वन पॉइंट और आई मिस्ड टू पॉइंट्स, सर कैन यू प्लीज रिपीट सो दैट आई कैन आंसर। ओके. सो अगर इसमें हम थोड़ा अगले अगले वाले पार्ट में जाएं, वो था टेक्निकल क्वेश्चंस वाले पार्ट और जीके का आपसे पूछा गया था, इसमें आपसे सबमरीन वर्किंग ऑफ एसी, क्वेश्चन रिलेटेड टू इंजन गियर प्रिंसिपल भी पूछा था, बट आप एक क्वेश्चन में अटक गए थे, वो था 1 kg इज मोर और 1 liter. यस. सो वहां पर आपने कुछ आंसर दिया था और वो कुछ कहते हैं आर यू श्योर, डू यू वांट टू चेंज योर आंसर, सो व्हाट वाज दैट? दे ऑलवेज प्रेशराइज अस कि ठीक है ना आप एक प्रेशर सिचुएशन में कैसे करोगे, ओके इतना ही पता है, या फिर हील से समथिंग लाइक दैट, ओके बी श्योर, बी मोर कॉन्फिडेंट, आर यू श्योर अबाउट दिस, पक्का, हील से सब सम वर्ड्स लाइक दिस। सो मेरा अप्रोच क्या था कि इफ ही सेज पक्का, आर यू श्योर, सो आपको जितना पता है ऑलवेज बी 100% ट्रूथफुल। अगर आप कुछ ऐसे एग्जेजरेट करके बोलोगे ठीक है सर ये है वो है, तो यू विल गेट स्टक अप बिकॉज दैट इंटरव्यूइंग ऑफिसर इंटरव्यूज अप्रोक्सीमेटली 8 or 10 इंटरव्यूज ऑन पीपल ऑन अ डेली बेसिस, तो आप उनको झूठ बोल के तो बच नहीं सकते। तो बी ट्रूथफुल, लाइक मेरा आंसर क्या था इस चीज के लिए, दैट आई सेड सर आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ घी, ऑन दैट पैकेट इट इज रिटन दैट 1 kg एंड इन द ब्रैकेट 918 ml। सो आई विल से व्हेन फॉर द सेम कंटेनर 1 kg इज लेसर एंड वन ओ सॉरी 1 kg इज मोर एंड 1 liter इज लेसर एज कम्पेयर टू द इफ कम्पेयर टू द वॉल्यूम। टॉकिंग अबाउट द वेट विल बी सेम, इफ यू विल कीप अ पैकेट ऑफ घी 1 kg ऑन द वन साइड एंड द 1 kg ऑन द अनदर साइड, दे विल बी बैलेंस्ड इवन इफ दे आर सॉलिड और दे आर लिक्विड। बट आई सेड दैट यूजिंग दैट आइडिया आई विल से दैट 1 kg इज 1000 ग्राम बट इट इज इक्वल टू 918 ml।
सो आई से दैट केजी इज मोर एंड एमएल इज लेसर. ओके, सो यहां तक आपकी बात हुई, बट कॉन्फ्रेंस में, सॉरी, पर्सनल इंटरव्यू में कोई ऐसा सीन था जहां पर आप जवाब दे ही नहीं पाए? या मतलब अब तक जितनी भी आपने एसएसबी दी, जितनी बार भी आप रिकमेंड हुए हैं, तो उसमें कभी ऐसा हुआ आप जवाब नहीं दे पाए? यस इट हैपेंड ड्यूरिंग माई एनडी अटेम्प्ट. एक्चुअली मैं थोड़ा प्रिपेयर वहाँ पर कम था मैं, तो ही आस्क्ड मी दैट टेल मी एनी फाइव नेशनल करंट अफेयर्स. तो जब उन्होंने मुझसे पूछा आई वॉज नॉट एबल टू आंसर. मैं दो तो बता दिए मैंने, लेकिन उसके बाद मैं नहीं बोल पाया था. सेम थिंग वॉज विद द इंटरनेशनल. सो ही स्कॉल्डेड मी दैट यू आर नॉट सीरियस अबाउट यू एस एस बी, यू हैव नॉट प्रिपेयर सर्टिन जी के क्वेश्चन ऑल्सो. सो दैट वॉज द टाइम वॉज आई वॉज नॉट एबल टू आंसर. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे फाइनल ईयर में आके जो भी मैंने दो एस एस बी अपेयर किए हैं उसके अंदर तो मैं आंसर कर पाया था जो भी था. ऑल दो कई आंसर ऐसे थे जो वहाँ पे मैं स्टक हो गया था या फिर आप भूल जाते हो कई बार, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आंसर कर पाया था. ओके, अगर मान लो कोई, सपोज आप सवाल का जवाब नहीं जानते, सो व्हाट शुड अ पर्सन से टू द पर्सन इंटरव्यूअर, और कुछ भी बता दो उनको बस, जैसे हम इंजीनियरिंग वाले इंटरव्यू में नहीं कर नहीं रहे हैं। डोंट मेक अ ब्लफ, डोंट मेक अ ब्लफ, दैट विल बी अ ब्लंडर. अगर आप एक ब्लफ करोगे वो आप उस ब्लफ के अंदर और लेके जाएगा एंड यू विल एंड अप सेइंग सर सॉरी आई डोंट नो द आंसर. इंस्टेड ऑफ दैट बी ऑनेस्ट कि सर जस्ट लाइक इफ यू आर आस्ड अबाउट ओबीओआर और द वन बेल्ट एंड रोड इन बीआरआई, सो टेल देम द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू हैव. आपको पता है कि ठीक है चाइना का इनिशिएटिव है, ये कर रहा है, टेल देम दैट ओनली. इफ ही सेज व्हाट मोर, तो सॉरी सर आई डोंट नो दैट, आई नो ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ, आई हैव ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इफ यू वॉन्ट मोर आई ट्राई टू गेट दिस टू यू इन द कॉन्फ्रेंस. एंड ओके, दिस इज अ सीक्रेट, आई विल से यूज इट एज अ वेपन कि मैं आपको कॉन्फ्रेंस बताऊंगा. डोंट यूज इट मैनी टाइम्स, दो या तीन बार यूज करो. ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने मिस कर दिया है, तो उसके लिए बोल दो सर आई एम रियली सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ बट आई विल टेल यू दिस ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस. अब आगे चलते हैं जी कॉन्फ्रेंस पे, फाइनल पार्ट। और मेरा मानना है कि कॉन्फ्रेंस एक ऐसा पार्ट है जो रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं या रिकमेंडेड होने की प्रोबेबिलिटी है उनके लिए ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वरना तो लोगों को पूछ के रहते हैं। और भाई, खाना कैसा था? स्टे बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, और आपकी बाय बाय हो जाती है। बट जिनका थोड़ा बहुत भी चांस होता है, दे गेट अ टाइम ओवर देयर, 10, 5, 6 मिनट, 3 मिनट। सो समवॉट आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? ओके, इट हैपन्ड टू मी ड्यूरिंग माई एनडी अटेम्प्ट ओनली. जब मेरा कॉन्फ्रेंस लगभग 10 मिनट चला था, 10 मिनट। तो हाँ देर वर क्वेश्चंस रिलेटेड टू माई फैमिली एंड दोज क्वेश्चंस वर सेम विच वर आस्क्ड टू मी इन द पर्सनल इंटरव्यू. और कुछ जीके के क्वेश्चन थे जो मैं आंसर नहीं कर पाया था, तो ही आस्क्ड मी क्या आपने अभी वो पढ़े हैं, सो आई आंसर्ड देम ऑल्सो. सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू माई पेरेंट्स, सम क्वेश्चन रिलेटेड टू माई सिबलिंग्स, तो इस तरीके से था. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा दो बार जब मेरा रिकमेंडेशन हुआ, माई कॉन्फ्रेंस लास्टेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट बिकॉज आई वॉज अ मेडिकली अनफिट कैंडिडेट. मेरे से पूछा गया था कि क्या प्रॉब्लम थी, हैव यू क्योर्ड इट नाउ, ऑपरेशन से क्योर होने में कितना टाइम लगेगा. सो दोज आर द बेसिक क्वेश्चन दैट दे आस्ड एंड दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. आई वॉन्ट से दिस इज ट्रू बट आई से इफ यू आर अ रिकमेंडेड कैंडिडेट यू विल गेट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट. इफ यू आर नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट यू विल गेट 30 मिनट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट. बट इफ यू आर अ बॉर्डर लाइनर यू विल गेट सम टाइम 5 मिनट्स और 6 मिनट्स 3 वॉट एवर इट इज. यू विल बी आस्क सर्टेन क्वेश्चन लाइक कि आपका इस सिचुएशन में क्या होगा. यू माइट बी आस्क एन एस आर टी, यू माइट बी आस्क अ पजल, तो ये हो सकता है. ओके, एक सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया था, एंड आई लाइक टू नो इफ यू वर आस्क्ड टू सेलेक्ट एनी टू कैंडिडेट फ्रॉम योर ग्रुप टू गेट रिकमेंडेड, होम यू वुड यू लाइक टू चूज? सो वहां पर तब आपका जवाब क्या था? सो माई आंसर वॉज दैट सर मी एंड लाइक माई चेस्ट नंबर वॉज चेस्ट नंबर 13, सो आई आंसर सर माई मी एंड चेस्ट नंबर 14. सो ही एवरेबली आस्क मी वाई चेस्ट नंबर 14, वाई नॉट 12. रीजन बींग दैट चेस्ट नंबर 12, 13 एंड 14, थ्री ऑफ अस वर प्रीवियसली रिकमेंडेड वेन आई ओके, वेंट फॉर द सी डी एस अटेम्प्ट. सो हिज क्वेश्चन वॉज कि 14 ही क्यों, 12 भी तो एक बार प्रीवियसली रिकमेंडेड है, वो क्यों नहीं. सो आई आंसर्ड दैट सर इन द प्रोग्राम ऑल्सो इन सो इन द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज ही वॉज नॉट एग्रींग टू द ग्रुप और वी वॉज सेवन इन द ग्रुप. सो आउट ऑफ सेवन ही वॉज द ओनली वन हु वॉज नॉट एग्रींग टू द ग्रुप प्लान एंड ही वॉज सेइंग समथिंग डिफरेंट. सो दैट वॉज द थिंग दैट आई सेड. एंड ऑल्सो आई सेड दैट सर इन द कमांड टास्क आई डेंट फाइंड हिज परफॉर्मेंस सब्सटैंशियल एंड गुड एबल गुड इनफ टू गेट सेलेक्टेड. सो दैट वॉज द पॉइंट आई सेड. ओके, एंड इन दिस कंडीशन ऑल्सो इफ समवन गेट स्टक, अगर आपको किसी को क्वेश्चन पूछा जाता है तो आई सजेस्ट कि बी ऑनेस्ट. किसी को क्रिटिसाइज मत करो कि ठीक है उसने यार ये कर दिया, ये वो ऐसा इंसान है. टेल ओनली स्पेसिफिक टू द टास्क
कि सर इन दिस टास्क ही डिड दैट, इन दिस टास्क ही डिड दैट, बिकॉज एज अ पर्सन एवरी वन हैज सम फेलियर्स एंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके साथ होती है, हो सकता है उसको भी मेरी कोई बात पसंद ना आई हो, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग पर्सनल स्टिक टू द टास्क. ओके, सो यहां तक की दिखानी. अच्छा एक बात हम जानना चाहेंगे, आपके दिमाग में, आपके आप हैं तो राजस्थानी और ऊपर से मारवाड़ी गुजराती लोगों को बिजनेस ज्यादा भाता है, आप ये कहां से मतलब फौज वौज आपके दिमाग में आ गई एकदम से? एक्चुअली ये मेरे स्टार्टिंग से ही था. द डे आई गॉट टू नो अबाउट दैट करियर फ्यूचर कुछ होता है, आई ऑलवेज थॉट दैट आई विल जॉइन द डिफेंस फोर्सेस. नहीं क्या एज हो गया आपकी, 15, 16, 8, 9, 14, 15 अप्रोक्सीमेटली 14, 15. बट मुझे तो यहाँ पर कुछ ये पता लगा था, एक तो ये है आप देख पा रहे होंगे अपने आप को, ये तलवार लेके किसको मारने चले हैं आप? ये सिर्फ पिक्चर है, हम लोग घूमने गए हुए थे, शायद ये देहरादून के पास का फोटो है और वहां पर हमने फोटो क्लिक कराया था. अच्छा तो वहां का फोटो है और इट वाज जस्ट कि ठीक है, वहां का एक लोकल जो ड्रेसअप था वो मैंने लिया था. अच्छा बट एक बात मुझे और पता लगी कि आप ना जैसे लड़कियां बातूनी होती हैं, आपको बात करने पसंद आपकी मम्मी आती हैं, अगर आप घर पहुंच जाओ तो आप सबसे ज्यादा बात मम्मी के साथ करते हो, दुनिया भूल जाते हो आप. नहीं ये है, और क्योंकि मेरे साथ ये चीज है बिकॉज मैं घर पे कम टाइम दे पाता हूँ अपने, जी जैसे हॉस्टल में रहते हैं तो जब भी घर पे जाने का मौका मिलता है तो ऑब्वियसली आई ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल विद माई पेरेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली जितना मैं याद करता हूँ वो भी याद करते हैं. तो आई ऑलवेज ट्राई की ठीक है, मैं जब भी घर जाता हूँ मेरे को मतलब दोस्तों के अलावा मुझे बाहर जाना बहुत कम पसंद है. घर पे रह के बात करो सबसे, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. पे आ गए हैं, कॉन्फ्रेंस हो गई, आपकी पर्सनल इंटरव्यू हो गया, सारी बातें हमने कर ली, अब आते हैं रैपिड फायर पर. उम्मीद करता हूँ करण जोहर की तरह आप मुझे भी पॉपुलर कर देंगे रैपिड फायर कोई ना कोई. आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल ट्राई माय बेस्ट. ओके चलो बड़ा भी शुरू करते हैं, ऐसा जवाब देना जैसा एसआरटी की दे रहे हो. फर्स्ट सवाल, स्क्रीनिंग इज ऑल अबाउट लक और नॉट? नॉट एट ऑल, इट्स अबाउट योर हार्ड वर्क एंड हाउ यू परफॉर्म एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. ओके अगला सवाल, वन शुड मेक बॉन्डिंग विद फेलो कैंडिडेट्स बिफोर जीडी और नॉट? Yes, sure, definitely. Because the more bonding you will have, it will be better for you to perform better in GD and the group will perform better and you will be able to arrive to something, at least some conclusion. Okay, one line advice for repeater for screening and for stage 2 separately. For screening, for a complete thing, give you even better than your best because they have higher expectation from you as compared to the freshers. Okay, agla sawal. Source for practicing OIR should be RS Agarwal, the big thick book, or a PDF from internet is enough? A PDF from internet is enough, but if you want to go in depth, your sufficient time, you must go for RS Agarwal too. So next question is, the pictures for PP and DT, Google is enough, or we need to take the pictures from coaching? No, there is no need to go to a coaching. The pictures on the Google are enough, and also you should consider YouTube. There are certain videos where some YouTubers have put some pictures and they tell what the idea should be and it will give you a fair chance about what you should write for that particular picture. So piece of advice that changed your life for as SSB aspirant? It was an advice, as I already told you, that it was given to me by our CHM sir, that if you want to be an officer, start living like an officer today itself. ओके भाई एक सच्ची सच्ची बात बताओ, मैकेनिकल इंजीनियर की लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं होती है, आपके पास ले भी सच है कि कुछ अलग बात है आपके गाने में? नहीं इट इज रियली ट्रू, मेरे लिए भी वही बात है, नहीं गर्लफ्रेंड होती बिकॉज पूरे आपके ब्रांच में लड़कियां नहीं होती तो नो चांस. तो कॉलेज में तो होती है, बट आई नेवर लुक्ड फॉर लाइक समथिंग लाइक दैट. यार ये तो तुम पर्सनल इंटरव्यू वाला जवाब दे रहे हो, तो तू गोल मार रहे हो. नहीं इट इज वेरी ट्रू. अच्छा, चलो अच्छी बात है. चलो मैन, थैंक यू मैंग बट, थैंक यू सो मच यार, आपने इतना टाइम दे दिया हमें. आई होप दिस इंटरव्यू इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स और सून हम भी आप लोगों को ज्वाइन करें यूनिफॉर्म में. एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द मैच. आई विल बी वेटिंग फॉर यू एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर मेरे किसी बोलने से या मेरी किसी बात से अगर किसी को मैं हेल्प कर पाया. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंसिस, क्योंकि आई हैव डन इट, आई विल बी ज्वाइनिंग द अकेडमी. Like I am waiting for the merit yet, but I hope I'll join the academy. But I always wanted ki main apne experiences, mere paas jo cheeze hain, unko logon tak pahuncha paau. And you provided me with that option, and thank you so much for that. Okay. ये है वीडियो का एंड और मैं इससे बात कहना चाहूंगा, ये
जैसे प्रज्ञांशु और राधिका का मैंने इंटरव्यू लिया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया, मैं चाहूंगा कि आपका कोई दोस्त जो डिफेंस एस्पिरेंट हो, रिकमेंड हुआ हो, उसके बारे में हमें बताइए कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल में आप बताइए, एंड हम उनका इंटरव्यू लेंगे और उनके बारे में, उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे, कहीं ना कहीं आपको रिकमेंडेशन में मदद मिलेगी। और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आप इसे जाएं, इसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, वहाँ पर जाकर आपको ऐसी नोटिफिकेशंस मिलेंगी जो आपको, पहली वीडियो जो मेरी अपलोड होगी उसके बारे में आपको न्यूज़ मिलेगी। इसके साथ मेरा फेसबुक पेज है जो कि आपके इंस्टाग्राम की तरफ की हेल्प करेगा, और आपको मेरे लिए कोई मैसेज अगर छोड़ना हो तो सर्वर करके मत छोड़ा करो यार, बहुत फॉर्मल लगता है, मैं भी आपकी तरह डिफेंस एस्पिरेंट हूँ। तो @वाशने या #messagetowaashne आप डालें कमेंट बॉक्स में और मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये तो आपको पता ही है, पसंद आई गई है तो बस लाइक शेयर कमेंट कर दो, ज्यादा पसंद आ गया हो तो घर में खाने के लिए इनवाइट कर दो, और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।